हरे कृष्ण. इट इज अवर ग्रेट फॉर्चून टू लिसन हिज ग्रेस सुदामा प्रभु जी ऑन द सेमिनार फॉर द थ्री डेज ऑफ द डे सेकेंड ऑन 11th ऑफ अप्रैल 2009 ऑन इनअटेंटिव चैंटिंग. हरे कृष्ण. सकती है साधु गुरु शास्त्र में बताते हैं कि ध्यान पूर्वक जप न करने से कितनी गंभीर समस्या हो सकती है. तो एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आवश्यक है ये जानना कि किस दिशा में हम जा रहे हैं. शास्त्र कहते हैं कि आपने कितना अंतर काटा है इसको मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस दिशा में आप जा रहे हैं. हाउ लॉन्ग डिस्टेंस योर ट्रेवल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इन व्हाट डायरेक्शन यू आर गोइंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो हमें देखना है आज कि कितनी गंभीर समस्या हो सकती है अगर ध्यान पूर्वक जपने के लिए. पहली है कि एक किसके समान है कि खुद बाजार में जाकर रस्सी खरीदना, खुद फांसी का फंदा बनाना और खुद के गले में डालना. जैसे हमने कल बताया खुद खुशी, लेकिन ये खुद के खुशी के लिए नहीं होती. इस प्रकार अनेक भक्तों के जीवन में समस्या आ चुकी है पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं. ऐसा ये अनेक केसेस हो चुके हैं जिसमें कई लोगों ने इस प्रकार अपने जीवन की बर्बादी कर दी है. क्योंकि ना तो हम भौतिक जगत में फिर से जा सकते हैं, ना तो आध्यात्मिक जीवन में हमें रुचि है, ना तो नाम में रुचि है, ना तो सेवा में रुचि है. और ये ज्ञान मिल चुका है कि हम भोग नहीं कर सकते, तो हमारी अवस्था बनती है उस कुत्ते के समान जिसके मुंह में हड्डी है लेकिन चबाने के लिए दांत नहीं है, ना घर के ना घाट के होते. इसलिए दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है, मानसिक तनाव बढ़ते जाता है. ना तो मैं भौतिक कार्य कर पा रहा हूं, ना तो आध्यात्मिक. इसके कारण मेंटल एंग्जाइटी, मेंटल टेंशन और जो डिप्रेशन है बढ़ते जाता है. इसलिए हमें इस स्थिति से पहले क्या करना है, एक चेतावनी समझकर इन उदाहरणों से हमें सीखना है. उदाहरण बनने की जरूरत नहीं हमें. और दूसरी गंभीर समस्या क्या हो सकती है कि खुद की कब्र खुद खोदने के समान है, क्योंकि हमारा जो खाली मन है वो शैतान का घर है. उसको सही तरीके से भगवान के नाम में नहीं लगाएंगे तो वही खाली शैतान का जो घर है मन, वो हमें दफना देगा आध्यात्मिक दृष्टि. इसलिए जो ऊपर बैठा है व्यक्ति वो है खाली मन, शैतान. एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप. और इस वर्कशॉप में आपको ट्रेनिंग देगा कि कितना लंबाई चाहिए, कितना चौड़ाई चाहिए खड्डी की. और थक जाएंगे तो नींबू शरबत भी आपको सप्लाई करेगा वो. क्योंकि इतना शक्तिशाली है मन कि ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा. इसलिए जितना हम गंभीरता से जप करेंगे, जितना सिंसियरली करेंगे, सीरियसली करेंगे, उतने हम मन को एंगेज रखेंगे, मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे. क्योंकि सभी इंद्रियों का राजा है ये मन. अगर इंद्रियों को काबू पाना है तो सबसे पहले मन को भगवान की सेवा में एंगेज करना है. इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं इफ वी आर नॉट ग्रेव सीरियस और अटेंटिव इन हियरिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा देन वी हैव टू डिग और ओन ग्रेव. दोनों अंग्रेजी शब्द वही है ग्रेव, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है. एक जो ग्रेव है वो है सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग होना चाहिए, नहीं तो खुद की कब्र खुद खोदना होगी. इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हम खुद की बर्बादी करने पे तुले हैं. क्योंकि मन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक हम खुद तय नहीं करते कि मुझे मन से डिस्टर्ब होना है. इसलिए हम पे निर्भर है. जैसे जड़ भरत मरते उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, उसी प्रकार हर एक जीवात्मा में, हर एक मन में शक्ति है. लेकिन हम जब खुद तय करते हैं कि मुझे अभी मन से डिस्टर्ब होना है. इसलिए अवंती ब्राह्मण भी कहते हैं ना तो काल, ना तो ये शनि, ये मंगल, ये देवी देवता मेरे सबसे बड़े कौन है, दुश्मन है. सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का मन है. तो कैसे इस मन को भगवान की सेवा में लगाए, उस पर निर्भर है हमारी आध्यात्मिक प्रगति.
इसलिए अर्जुन भी अपने हाथ पैर घुटने टेक कर भगवान के सामने अपना गांडीव धनुष बनुष जमीन पर रखकर, जिस अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि किसी भी हालत में गांडीव धनुष को जमीन पर नहीं रोकूंगा, वो वचन भी भूल गए, अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, क्योंकि वो अपने मन से परेशान थे। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरिव सुदुष्कुरम। जिस अर्जुन ने परशुराम का भी पराजय किया, जो भगवान के अवतार है परशुराम जी, उनको भी परास्त कर दिया, देवी देवताओं को परास्त किया, जिनकी सारी मन और इंद्रिया पूरे काबू में थे, जब उर्वशी उनके पास आई और कहने लगी कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ, भोग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा आप मेरी माता के समान हो, इतनी उनकी इंद्रिया प्रबल थी, शक्तिशाली मीन्स संयम में थी। ऐसे अर्जुन भी भगवान के सामने हाथ पैर घुटने टेक कर रहे कि एक बार मैं वायु को, तूफान को, आंधी को रोक सकता हूं, लेकिन मेरे खुद को, मन को रोकना असंभव है। इसलिए हरेक साधक का सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज होता है, आह्वान होता है आध्यात्मिक जीवन में, जैसे ही भक्ति में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें अपोजिशन होता है खुद के मन से, बिकॉज वी आर इन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विथ अवर ओन माइंड विच इज मायाज सीआईडी एजेंट, मनमोजी माया का भोजी। इसलिए अगर ध्यान पूर्वक उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो यही मन हमारे बर्बादी का कारण बन सकता है, इसलिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो एक गंभीर समस्या हमारे जीवन में हो सकती है। कैसे निकालना इसको, एंटर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो यहां पर हम देखते हैं कि कितना आवश्यक है सबसे पहले मन को भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि मन क्या है, हमारा वेश्या के समान है, भौतिक जो मन है वेश्या के समान है, ये इस प्रकार कार्य करता है वेश्या के समान। जैसे वेश्या रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने कस्टमर को आकर्षित करती है, उसी प्रकार मन भी विचारों के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बुद्धि को आकर्षित करता है, बुद्धि को बहका देता है, आत्मा को भी बहका देता है। इसलिए हमें 24 घंटा इस पर नजर रखनी है, क्योंकि मन के भरोसे पे हम उतरे हैं माया के साथ युद्ध करने के लिए, तो हमें कभी उस पर भरोसा नहीं रखना, कभी भी हमें धोखा दे सकता है मन। तो यहां पे हम देखते हैं कि मन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए भगवान गीता में एक श्लोक दो बार कहते मन मना भव मद भक्तो, या भागवत में कहते सवय मन कृष्ण पदारविंदो, या गोविंदा जी कहते हैं भज हुरे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद, या रूप गोस्वामी कहते एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, क्योंकि मन के साथ होगी तो ही संभव है ध्यान करना, जब तक मन के साथ नहीं मिलती तब तक असंभव है। इसलिए यहां पे हम देखते हैं मन त्र बोलते हैं इसको, मंत्र का अर्थ है मंत्रायति इति मंत्र, जो मन को तारने वाला है इस भव सागर से। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार और क्या गंभीर समस्या हो सकती है। आगे
थोड़ा इस प्रकार हमने देखा कि सबसे निवेदन है थोड़ा सब भक्त आगे आएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, भक्त लोग आगे पीछे जगह होगी थोड़ी। तो इस प्रकार जो खाली मन है, शैतान का घर है, उसको हमेशा हमें क्या करना है, भगवान के चरणों में लगाना है। क्योंकि जो खाली मन है हमारा, वो किसके समान है, एक पागल रेस के घोड़े के समान है। पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक में कि जो मन है हमारा खाली मन, वो पागल रेस के घोड़े के समान है। एक तो रेस का घोड़ा है उसमें पागल हो चुका है, जब रेस का घोड़ा दौड़ने लगता है तो उसको लिए एक ही ट्रैक होता है दौड़ने के लिए, रेस कोर्स पे आप देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं भगवान आपने इस घोड़े के लिए हजारों करोड़ों करोड़ों ट्रैक्स दे दिए, इंद्रिय भोग के राजमार्ग। तो ऐसे अवस्था में हरेक दिशा में वो तेजी से भाग रहा है कई करोड़ों जन्मों से। तो घोड़े पे जो सवार है, घोड़सवार जिसको कहते हैं जॉकी, पिक्चर का नहीं, घोड़सवार होता है उसको जॉकी कहते हैं, उसकी अवस्था किस प्रकार है कि वो पूरा घबराव है। आत्मा, आत्मा कौन है, घोड़सवार। तो ऐसे समय वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपके जो चरण कमल है एक खूंट के समान है। जैसे देहात में कोई जानवर या घोड़ा बैल पागल होता है तो उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, जमीन में एक लकड़ी का टुकड़ा मारकर उसको उस बैल को या घोड़े को जो पागल हो चुका है उसको बांध देते हैं और धीरे धीरे वो घोड़ा शांत होने लगता है, पागल जानवर। उसी प्रकार है भगवान आपके जो चरण कमल है एक खूंट के समान है, एक पेड़ के समान है, उसको अगर मैं आपके चरण में बांध कर रखूंगा मेरे पागल घोड़े को तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण है कि साधक को सबसे पहले मन को भगवान के चरणों में लगाए, नहीं तो इस प्रकार हमारी अवस्था हो सकती है। और क्या समस्या हो सकती है कि बिना कारण समस्याओं को आमंत्रित करना। कलयुग की समस्या ही बहुत काफी है हमारे लिए, यही हमें तकलीफ दे रही इतनी, उसके ऊपर हम जानबूझकर क्या करें और समस्या को आमंत्रित दे रहे, अगर ध्यानपूर्वक जब नहीं करें। ये किसके समान है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ऐसे हम फिलहाल में गोवा में थे 4-5 दिन पहले, वहां पे ये सेमिनार कर रहे थे। तो वहां शिवाली करके गांव है, वहां पे एक व्यक्ति नारियल निकालने के लिए ऊपर चढ़ गए, हाथ में वो चॉपर लेके, नारियल तोड़ने के लिए होते ना, और तोड़ते तोड़ते गलती से उनका जो चॉपर था पैर पर लग गया और पैर से खून बहने लगा, इतने जोर से मार गए और बहुत खून बहने लगे, इसलिए वो बेहोश होकर जमीन पे गिरे। जब गिरे तो पत्थर पे उनका सर टकरा और जगह पे ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार इसको कहते हैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, या हिंदी में उसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। किस प्रकार है हम देखने जा रहे हैं ये समस्या। इस प्रकार ये पिक्चर हमने सेंसर किया थोड़ा, क्योंकि इस पिक्चर में पूरा नंगा कर देता है वो बैल उस आदमी को जो बिना कोई कारण उस बैल को आमंत्रण कर रहा है मारने के लिए। उस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, माया रूपी बैल को आमंत्रण दे रहे हैं हमें पूरा भक्ति में नंगा करने के लिए। क्योंकि कलयुग में दुशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ध्यानपूर्वक जप न करना, वही हमें नंगा कर देगी आध्यात्मिक जीवन में और हम कहीं के नहीं रहेंगे और हमें भागना पड़ेगा ग्राउंड छोड़कर, जिस प्रकार ये व्यक्ति भाग जाते हैं। इसलिए ये समस्या बहुत ही गंभीर है और इससे बड़ी समस्या क्या होती है कि अपने ही अनर्थों को, अपराधों को पाल पोस कर बड़ा करना। जैसे कोई लुकड़ा व्यक्ति है, बहुत ही पतला व्यक्ति है, उसको बादाम पिस्ता खिलाकर हम पहलवान बना रहे, क्यों, ताकि आगे जाकर हमारा गला घोट दे या हमें खत्म कर दे। उस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, गलत जगह पानी डालकर
घास फूस को बढ़ा रहे ताकि वो भक्ति लता बीज को ही गला घोट दे। इसलिए सही जगह में हमें क्या करना है, सिंचन करना है। श्रवण और कीर्तन का जो पानी है, सिंचन है, वो भक्ति लता को बीज को ही डालना है। तो ये किसके समान है, यहां पे बताते हैं कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों को, अनर्थों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे ताकि हमें वो आध्यात्मिक दृष्टि भौतिक दृष्टि से खत्म कर दे या गला घोट दे। तो किसके समान है, जैसे अपने ही मन के भूत को खुद तैयार करना। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन मॉन्स्टर्स, ऐसे हम देखते हैं यहां पे इस पिक्चर में कि जब हम भगवान से अलग होते हैं, भगवान के नाम से अलग होते हैं, उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो परछाई भी हमें डराना शुरू कर देती है। क्योंकि भागवतम के 11वें स्कंध कहते हैं भय की शुरुआत कैसे होती है, हर एक प्रकार के भय। जैसे आजकल भय है मंदी का, जॉब का, बिजनेस का, तो जितने भी प्रकार के भय है उनकी शुरुआत होती है भयम द्वितीय विनेशात, जब हम खुद को भगवान या भगवान के नाम से अलग समझते हैं या उस पर पूरी ध्यान नहीं देते तो भय की शुरुआत होती है। इस प्रकार हम खुद पैदा कर रहे हैं मन का भूत। मन का भूत बाहर से नहीं आता, यह हमने खुद तैयार किया है क्योंकि हम पूरी ध्यान नहीं दे रहे। अगर सही तरीके से ध्यान देंगे तो यही मंत्र है वो मन को भी तार सकता है। मन को भी हम जो वेश्या के समान है उसको एक साध्वी के समान बना सकते हैं। और मन को ही लेकर हमें भगवत धाम जाना है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इस प्रकार जानबूझकर हमारे अनर्थों को बढ़ावा नहीं देना है, अपराधों को बढ़ावा नहीं देना है। ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। किसान भी होते हैं, जब घास फूस बढ़ती है तो तुरंत काट देते उसको, क्योंकि जो सही अनाज है उसकी फसल बढ़े तभी जाकर वो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार भक्ति में अगर सही समय पे हम इन अनचाही घास फूस को काट नहीं देते तो वही घास फूस इस भक्ति लता बीज की जो उन्नति है, प्रगति है, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें आवश्यक है इन अनर्थों से बचे ध्यानपूर्वक जप करके। और कभी आपने देखा है कि परछाई ने ही आदमी का खून कर दिया? नहीं, लेकिन ये भी संभावना हो सकती है आध्यात्मिक जीवन में अगर हम ध्यानपूर्वक जपने करें, क्योंकि हमारे जो अनर्थ है, अपराध है, वो परछाई के समान हमारा पीछा करते हैं और वही काफी है हमारे लिए हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट करने में, बर्बाद करने में। Our own anarthas, which are like shadows, are enough to finish us spiritually. क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है, ताकत है, और उनको हम और बढ़ावा दे रहे हैं ध्यानपूर्वक जपना करके। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे, क्योंकि ये जो लक्षण है या इसका अनुभव आपको तुरंत करना नहीं होता, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते हैं और 15-20 साल के बाद ये हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसलिए हमें फिलहाल अभी इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो भी वरिष्ठ भक्त है उनका यह अनुभव है, जिन्होंने देखा है 15-20 साल, उनका यह अनुभव है। इसलिए एक चेतावनी के रूप में हमें इसको लेना है। और दूसरा एक मतलब बताते हैं ध्यानपूर्वक जपना करने का, वो है चांटिंग हाफ हार्टेडली। किसी भी चीज में तन मन धन नहीं लगाएंगे तो उस चीज में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। चैंटिंग हाफ हार्टेड मीन्स रिजल्ट भी उसका हाफ होगा, हाफ रिजल्ट, और अंत में हाफ मैड हो जाएंगे हम। इसलिए हमें पूरे तन मन धन से, दिल से हर एक चीज करनी है, हर एक कार्य भक्ति में, पुट योर हार्ट एंड सोल, ये समझ कर करना है कि ये मेरा आखिरी कीर्तन है, ये मेरी आखिरी माला है, आखिरा हरे कृष्ण महामंत्र है, आखिरी रसोई है। तो उसमें जो भी शक्ति है हमें तन मन धन लगाकर करना है। अगर उसमें हमारी मृत्यु भी हो गई तो हम भगवत धाम जाएंगे अंतकालिक चुनाव, क्योंकि भगवान के लिए हम सेवा कर रहे हैं पूरी तन मन धन से। और उसमें बचेंगे भी तो भगवान हमें और श्रद्धा देंगे और हमें ताकत मिलेगी, आध्यात्मिक ताकत। इसलिए डबल बेनिफिट है कि कोई चीज में तन मन धन लगाना भक्ति में, कार्य में, क्योंकि भक्तों ने टोकर कहते हैं अटेंटिव चैंटिंग इज द हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस।
क्योंकि भक्ति का सार है, प्रेमय सेवा का सार है ध्यानपूर्वक जप करना। ये शुरुआत है, इस प्रेम का प्रतीक है। तो शुरुआत अगर गलत है तो उसका फायदा नहीं होगा हमें। वेल बिगन इज हाफ डन। इसलिए हमें सिर्फ जप करने के लिए जप नहीं कर रहे हैं, जैसे हम बोलते भी हैं बस जप खत्म कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, बोलते भी इस प्रकार, हम जप को खत्म किया, जप को फिनिश किया, इसका मतलब जप का मर्डर कर दिया। और वास्तव में हम मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि 16 अक्षर 16 शब्द कभी बोलते ही नहीं हम। हरे कृष्ण महामंत्र में लगातार यहां पे देखते हैं 3 बार कृष्ण कृष्ण आते हैं, उसके बाद जो हरे कृष्ण का पहला भाग खत्म होता है हरे हरे, उसके बाद आखिरी हरे और हरे राम का पहला हरे, इस प्रकार लगातार 3 बार हरे आते हैं, और बीच में 3 बार लगातार राम आते हैं, और जब पहला हरे कृष्ण मंत्र समाप्त होता है उसके अंत में हरे हरे और दूसरे महामंत्र का शुरुआत का हरे। इस प्रकार 16 जो शब्द है वो कभी हम कंप्लीट बोलते नहीं, हम इतने हरी में होते हैं कि कभी कभी हरे को ही भूल जाते हैं हम। भगवान को भी डिस्काउंट देते, तुम भी क्या याद करोगे, ले लो 16 शब्द कभी बोलते नहीं। तो इस प्रकार जो विधाता है ब्रह्मा जी, वो कहते हैं कि कलयुग के जो जीव है उनका उद्धार करने वाला 16 शब्दों वाला ही महामंत्र है। अगर 16 शब्द ध्यानपूर्वक उच्चारण नहीं करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो उतना हमें फायदा नहीं होगा। इसलिए 16 अक्षर स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। समझ में आया सबको कि किस प्रकार हम 16 अक्षर नहीं बोलते, क्योंकि इतने गड़बड़ी में होते हैं, इतने घरी में होते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का है, हरे कृष्ण 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 के बाद हरे हरे है, और हरे राम का जो पहला हरे है, इस प्रकार लगातार 3 बार हरे आते हैं, तो कभी 2 बार बोलते हैं, कभी 1 बार बोलते हैं, 3 बार कभी हम उच्चारण नहीं करते। या कृष्ण कृष्ण 3 बार आते हैं, उसको 3 बार उच्चारण नहीं करते, कभी 2 बार कभी 1 बार, उतना हम ध्यान नहीं देते, हमें गड़बड़ी होती है जल्दी से जल्दी 16 माला करने की। इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक उच्चारण करना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। इसलिए हमारा जो जप है वो किसके समान होना चाहिए, एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी का मतलब है लाउडली क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली एंड डेस्परेटली। एलसीडी लाउडली क्लियरली डेस्परेटली एंड डिस्टिंक्टली, तभी प्रोजेक्शन होगा हरे कृष्ण महामंत्र का। इसलिए हमें तन मन धन से, पुट योर हार्ट एंड सोल इन चैंटिंग एंड हीरिंग। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही चीज हम करने में लग जाएंगे, फिर से भव सागर में डूबना शुरू हो जाएगा। कि मंत्र का मतलब है मंत्रायते, जो भव सागर से भी हमें तैर सकता है, पार कर सकता है, पार करेगे नैया रे कृष्ण कन्हैया। उसी प्रकार ये महामंत्र है हमें भव सागर से भी डुबाने से बच सकता है। लेकिन जिस प्रकार ये व्यक्ति टायर की ट्यूब लेकर समंदर में उतरा है तैरने के लिए, अगर उसके हाथ से टायर की ट्यूब ही निकल गई तो उसकी कोई आशा नहीं है, उसके लिए कोई होप नहीं है, ही इज होपलेस एंड हेल्पलेस, फिर से डूब जाएगा। उसी प्रकार हम भव सागर पार करने के लिए ये टायर के समान जो जप माला है लेकर उतरे, वही जप माला हाथ से निकल गई तो फिर से हम डूब जाएंगे भव सागर में। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भक्त आध्यात्मिक संस्था को छोड़कर चले जाते हैं तो सबसे पहले वो 4 नियमों का भंग नहीं करते, सबसे पहले उनके हाथ से माला निकल जाती है, उसके बाद गले की माला, कंठी माला, उसके बाद तिलक, उसके बाद 4 नियमों का भंग। इस प्रकार सिस्टमेटिक क्या है, पतन का एक मार्ग है। कहाँ है, क्यों हो रहा है, फिर से माया की गोद में जाने के लिए एक श्योर रेसिपी है। इसलिए हमें इस से बचने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करना आवश्यक है। और आगे बताते हैं भक्तों ठाकुर क्यों हमें इतना ध्यान देना चाहिए, इतना ध्यान देने की आवश्यकता क्या है। तो उसमें बताते हैं कि माया के साथ हम युद्ध में उतरे हैं,
जब एक जीवात्मा पहली बार हाथ में माला लेता है तो किसके समान है? माया के साथ युद्ध पुकारने के समान है। तो माया पूरी सतर्क हो जाती है, वो तो पहले सोचती है जिसने माला दी इसको, उसको बाद में देख लूंगी, पहले इसको देख लूंगी। इस प्रकार माया 24 घंटा उसके लिए कार्य करना शुरू कर देती है, क्योंकि कई जन्मों से ये जीवात्मा मेरी गुलामगिरी करते आ रहा है, वफादारी करते आ रहा है, वफादार कुत्ते के समान। अभी अचानक क्या हो गया, इसको किसने प्रचार किया, किसने माला दी? तो पहले नए व्यक्ति को पकड़ती है और उसके पीछे अपनी सारी तैनात लगा देती है। इसलिए कहते हैं कि माया 24 घंटा कार्य करते हैं, 24 घंटा नहीं ओवर टाइम काम करते हैं। इसलिए ऐसे माया को परास्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि माया को भगवान ने विशेष शक्ति दी है, जो भी इनसिंसियर है उनको सिंसियर लोगों से अलग करना। माया एक फिल्टर के समान काम करती है, माया एक छिलनी के समान काम करती है, जो भी भेड़िया घुस चुके हैं उनको अलग करना। तो माया भी एक वैष्णवी है, माया को ये कार्य अच्छा नहीं लगता, फिर भगवान का ये सेवा समझ कर वो कर रही है। वास्तव में माया का और वैष्णव भक्तों का कार्य वही है, भक्त लोग आगे से हमें खींच रहे भगवत धाम चलो करके, और माया पीछे से लात मार रही है, आगे से खींचे या पीछे से लात मारे, दोनों का कार्य है भगवत धाम में उसको पहुंचाना। इसलिए हमें देखते हैं कि इन अटेंटिव चैंटिंग इज अ श्योर रेसिपी नॉट फॉर गोइंग बैक होम बैक टू डेड बट गोइंग टू मटेरियल पूल टू कंटिन्यू द च्यूइंग द चूड। इस प्रकार हम इस ऊंट के समान अपना ही खून हमें मीठा लगने लगता है और वही कार्य करने लगते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, और इसमें ही हम आनंद प्राप्त करना शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य होता है इंद्रिय भोग, एक बार हाथ से माला छूट गई, हम कर्मी से ज्यादा क्या होते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि सोचते कि 20 साल से मैंने इंद्रिय भोग नहीं किया, इसलिए हम और तीव्रता से भोग में लगते हैं, लेकिन भोग नहीं कर सकते जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक ज्ञान मिल चुका है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा भगवान का अंश हो, अंश कभी स्वामी नहीं बन सकता, ये ज्ञान मिला इसलिए भोग भी नहीं कर सकते और ज्यादा तकलीफ शुरू होती है भौतिक जगत में जाकर। इसलिए इस प्रकार हमारी अवस्था होती है पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। तो हम बता रहे थे कि क्यों इतना ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि माया केवल विश्व विजेता नहीं, वो सारी सृष्टि की विजेता है। माया इज नॉट ओनली वर्ल्ड चैंपियन, शी इज यूनिवर्स चैंपियन, होल क्रिएशन चैंपियन, बिकॉज शी हैज बीन एम्पावर्ड बाय कृष्णा। इसलिए बहुत आसानी से एक बद्ध जीवात्मा को परास्त कर सकती है, बहुत आसानी से उसको नॉकआउट कर सकती है, नॉकआउट नहीं उसका नाक भी आउट कर देगी, क्योंकि हम बॉक्सिंग में उतरे हैं माया के साथ, और माया हमेशा के लिए क्या है, ऑल टाइम विनर है, क्योंकि एक बद्ध जीवात्मा अपने बलबूते से, बलबूते पे अपने शक्ति से माया को परास्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरतया, लेकिन कभी संभव है माया को परास्त करना, मामे व प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसलिए ये जप करना किसके समान है, माया के साथ बॉक्सिंग खेलने के समान है, हमारे हाथ में जो बीट बैग है वो बॉक्सिंग ग्लोव्स के समान है, जब हम जपा सर्कल में बैठते हैं वो बॉक्सिंग एरिना है, तो कोई बॉक्सर आंखें मूंदते हुए नींद से बॉक्सिंग एरिना में, बॉक्सिंग रिंगन में नहीं आते, पूरी तैयारी से आते हो, और जब बॉक्सिंग शुरू होती है तो कोई बॉक्सर इधर उधर देखते हुए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने देखा होगा इधर उधर देखते हुए बॉक्सिंग नहीं करते कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ है, नहीं, पूरी उनकी ध्यान होती है अपने प्रतिस्पर्धी पे। उस प्रकार जप के समय ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हम माया के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, उसमें सावधान होना ही चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि माया को परास्त करने के लिए भगवान ने एकमात्र शस्त्र अस्त्र बनाए है, न भूतो न भविष्यति, और कोई शस्त्र अस्त्र माया को परास्त नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। सबसे सूक्ष्म जो दिव्य ध्वनि है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, दिस इज द सटलेस्ट ऑफ ऑल सटल वेपन टू कट माया इनटू पीसेस। तो जितना धारदार तेज धार शस्त्र अस्त्र होता है उतने हमें सावधानी बरतनी होती है, जितना नया ब्लेड होता है उतने हमें सावधान होना चाहिए उसको हाथ में इस्तेमाल करने में।
जितनी धारदार छुरी होती है उतने हमें धोखा होती है हाथ काटने की, शरीर को काटने की। इसलिए बहुत आवश्यक है ये शस्त्र अस्त्र कैसे भी हम इस्तेमाल न करें, बहुत ही सावधानी से सतर्कता बरतते हुए हमें इसको इस्तेमाल करना है। इसलिए ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जैसे ध्यान हटता है तो क्या होता है देखते हैं हम, जिस क्षण ध्यान हट जाता है, हमारा ध्यान पूर्वक जप नहीं होता, उसी क्षण माया का जादू चलना शुरू होता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे निकटे माया झपटिया धरे। क्योंकि भगवान या भगवान के नाम के सामने माया नहीं आ सकती अगर हम ध्यानपूर्वक जप कर रहे तो, क्योंकि माया क्या है, छाया के समान है, छाया कभी आदमी के सामने नहीं आ सकती। जैसे हमारा ध्यान हटता है भगवान या भगवान के नाम से, तुरंत माया हमें पकड़ लेती है। किस प्रकार हम देखने जा रहे हैं सुंदर वीडियो में। तो यहां पे एक पिक्चर है जहां पे एक विशेष खेल होता है अमेरिका में, बंजी जंपिंग बोलते हैं उसको, जो व्यक्ति आकाश से कूदकर पानी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दौरान एक मगरमच्छ नीचे ये सब सुन रहा है आवाज, और जैसे व्यक्ति आकाश से कूद जाता है तो मगरमच्छ उसको तुरंत किस प्रकार पकड़ लेती है। बाहर के कदम तो इस स्लाइड में हम देखने जाए वीडियो में कि माया कितनी सतर्क होती है, कितनी वो चौकन्नी होती है, क्योंकि माया की हर एक कोशिश रहेगी। माया किसके समान है, एक शेरनी के समान है। जितना हम भक्तों के संग में है ध्यानपूर्वक जप करें उतने हम क्या है बच पाते हैं माया से। कि जैसे शेर या शेरनी जंगल के राजा है रानी है, फिर भी कोई हिरन दोपहर 12 बजे आकर कान में नहीं बोलते अभी लंच टाइम हो गया मुझे खा लो, हाँ मैं आपका लंच बॉक्स हूँ टिफिन बॉक्स हूँ, नहीं। शेर या शेरनी को पानी को स्पर्श करने से पहले मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। तो इस व्यक्ति को तो एक मगरमच्छ पकड़ रही है, हमको 6 मगरमच्छ राह देख रहे हैं। जैसे हमारा ध्यान हटता है तो 6 मगरमच्छ तैयार है हमें निगलने के लिए, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य। तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए यहां पे बताए गए हैं। तो हम बता रहे थे कि जो माया है एक शेरनी के समान है, भले वो जंगल के राजा है रानी है फिर भी उनको समय पर खाना नहीं मिलता, कई कई महीने उनको भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि जो भी जंगल में प्राणी जाते हैं चरने के लिए घास, वो हमेशा झुंड में होते हैं, हर्ड में होते हैं। ऐसे भेड़िया होते हैं, बैल होते हैं, हिरन होते हैं, तो उस झुंड पे हिरन शेरनी या शेर हमला नहीं कर सकता। वो हमेशा नजर रखते हैं कि ऐसा कौन सा जो भेड़िया है हिरन है बैल है गाय है जो झुंड से हमेशा अलग घास चरती होती है, उस पर नजर रखकर एक दिन सुबह सुबह ऐसे हिरन को ऐसे गाय को बैल को उठा कर ले जाते। उसी प्रकार जो भी भक्त भक्तों से अलग होकर भक्ति करने की इच्छा कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं ध्यानपूर्वक जपने कर रहे हैं ऐसे भक्त को तुरंत उठा के एक शेरनी के समान चले जाते हैं, और बाद में हमें पूछना पड़ता है कहाँ गए वो लोग। क्योंकि हम भक्तों के संग में अगर ध्यानपूर्वक जपने करेंगे तो इस प्रकार माया जो शेरनी के समान है वो हमें उठा के लेके जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर माया के प्रभाव से बच पाए, क्यों, क्योंकि माया उनका बाल भी बाका नहीं कर पाई, क्योंकि हमेशा वो ध्यानपूर्वक जप करने में लगे होते। इसलिए कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया रहने अंधकार। क्योंकि जब मायादेव ने कहा कि
मैं आपसे संग करना चाहती हूँ, आप जवान हैं मैं जवान हूँ, और ये जंगल में हम दोनों अकेले हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा आपकी इच्छा मैं पूरी करने के लिए तैयार, लेकिन एक शर्त है, मेरा जो नियमित जप है ध्यानपूर्वक जप अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो मुझे एक क्षण दीजिए। इस प्रकार एक एक क्षण करते करते उन्होंने 3 दिन माया के लिए, और 3 दिन के बाद उनका ध्यानपूर्वक जप सुनकर मायादेव में बलदाव हो गया। तो देखिए मायादेव का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ, वो कैसे भगवान के भक्त बने या हरिदास ठाकुर के शिष्य बने। हरिदास ठाकुर का जप सुनकर जो इतना ध्यानपूर्वक करते, तो माया का परिवर्तन हुआ दूसरों का जप सुनकर, हमारा खुद का जप सुनकर हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे। और दूसरा अंतर क्या है गोस्वामी और गोदास में, जैसे हरिदास ठाकुर जैसे गोस्वामी होते हैं वो एक एक क्षण माया से छीन कर लेते हैं, वो कहते कि मेरा ध्यानपूर्वक जप नहीं हुआ, मुझे एक क्षण दीजिए। इस प्रकार एक एक क्षण लेकर माया को ही उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो उन्होंने माया पे ट्रिक की, माया को फंसाया। उसके विपरीत हमारे जीवन में होता है, माया कहती है बाकी 30 घंटे 49 सेकेंड आपके है, 1 सेकेंड मुझे दे दो। ये इस प्रकार एक एक सेकेंड करके एक एक क्षण करके हमारे जीवन से मिनट लेते, मिनट से घंटे बनते, घंटे से साल, हाँ घंटे से दिन, दिन से महीने, महीने से साल, और हमारी खाल निकल जाती है। इस प्रकार ये फर्क है, जब हम ध्यानपूर्वक जब करते हैं तो हम माया की हर एक चाल को समझ पाते हैं, माया का पर्दाफाश कर सकते हैं, माया की गहरी चाल को समझ सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं, नहीं तो हम जन्म जन्मांत इस प्रकार माया के जाल में फंसते रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जठरे शयनम। तो इसलिए हमें ये आवश्यक है ध्यानपूर्वक जप करना। तो ध्यानपूर्वक जप जप करने में समझौता करते हैं तो क्या होते हैं, हम माया के हाथ के खिलौना बनते हैं और माया का जादू जन्म जन्मांतर चलने लगता है। तो इस प्रकार हमें क्या करते हैं, माया अपने हाथ का खिलौना बनाते हैं, कठपुतली बनाते हैं। व्हेन वी कॉम्प्रोमाइज वी बिकम माइस इन द हैंड्स ऑफ माया। और पहले तो कठपुतली बनाते हैं, बाद में अपने जूतों के तले कुचल देती है। इसलिए हम देखते हैं सौबारी मुनि का क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि का क्या हुआ, थोड़ी सी ध्यान हटी तो उसका पूरा फायदा मायादेव ने उठाया और पूरा कुचल दिया। इस प्रकार कितने भी बड़े साधक क्यों न हो, इस प्रकार माया उनको कुचल देते हैं। तो इससे बचना है तो हमें ध्यानपूर्वक जप करना आवश्यक है। और क्या होता है, जब हम ध्यानपूर्वक जप करने में समझौता करते हैं हम माया के वफादार कुत्ता बनते हैं, जन्म जन्म माया देख रहे कुत्ता कहाँ है, कुत्ता आ गया। इस प्रकार हम कृष्णा ट्यून सुन नहीं पाते क्योंकि हम माया की ट्यून सुनना शुरू कर देते हैं, आई ट्यून। और जब बोटो बोलेगी तो बैठ जाएंगे, उठ बोलेगी तो उठ जाएंगे। इस प्रकार जन्म जन्मांतर हम माया की ट्यून पे नृत्य कर रहे हैं क्योंकि हम माया की गुलामगिरी करते आ रहे हैं कई जन्मों से। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम ध्यान हटा चुके हैं भगवान के नाम से, भगवान से। तो जब भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो दूसरा और कोई चयन नहीं जीवात्मा के लिए, या तो माया या तो भगवान, दो ही चीजों की हमें सेवा करनी है। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है ध्यानपूर्वक जप। इसलिए ध्यानपूर्वक जप न करने का मतलब क्या है, ये क्या है, जानबूझकर विष का पहला मुंह लगाने के समान है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जानिया सुनिया विष खाइनु, क्योंकि साधु गुरु शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या है ध्यानपूर्वक जप न करना, जानबूझकर विष का पहला मुंह को लगाने के समान है। इसलिए वो चिल्लाकर कह रहे हैं पॉइजन पॉइजन पॉइजन, फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हरि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयाशक्ति बनाए रखना, ये क्या है, जानबूझकर विष का प्याला मुंह को लगाने के समान है, और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक जपना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन जानिया सुनिया विष खाइनो। इसलिए हमें भगवान के नाम में रति उत्पन्न नहीं हो रही है, आकर्षण निर्माण नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि हम
कई जन्मों से ये विष का पहला मुंह को लगाते आ रहे हैं। इसके आगे बढ़कर भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहते हैं, ये सिर्फ जानबूझकर विष का पहला मुंह लगाना नहीं, ये क्या है, जानबूझकर एक जहरीले सर्प को चुंबन करने के समान है, इतना धोखादायक है। क्योंकि ये जो विष है ध्यानपूर्वक जप करने का, ये स्लो पॉइजन है। जैसे कॉफी में कॉफीन होता है, चाय में टेनिन होता है, उस प्रकार एक कैफीन और टेनिन मस्तिष्क पर आघात करता है। हमें शास्त्र समझने में दिक्कत होती है क्योंकि इसका विष का परिणाम होने के कारण शास्त्र को भगवान को समझने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए ये मना है, स्लो पॉइजन। लेकिन ये स्लो पॉइजन हमें सिर्फ शरीर पर आघात नहीं करता मस्तिष्क पे, ये हमारी जो आत्मा की स्वभाव है उसको ही धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऐसा स्लो पॉइजन है ध्यान पूर्वक जप न करना, जो धीरे धीरे आघात करता है, आघात करने वाला विष है, शरीर पे नहीं वो आत्मा पे ही हमला कर देता है। आत्मा की जो स्वभाव है, भावना है, भगवान की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उस हक को भी ये छीन ले सकता है, उसको खत्म कर सकता है ये ध्यान पूर्वक जप न करना। इस व्यक्ति को तो ये सांप तुरंत काट लेगा और उसके शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन ध्यान पूर्वक जप न करना है ये शरीर को नाश नहीं करेगा, आत्मा के स्वभाव को ही खत्म कर देगा। इसलिए एक स्लो पॉइजन के समान, इसका असर 20-30 साल के बाद धीरे धीरे होगा। ये सांप का असर तुरंत होगा 1-2 घंटे में, लेकिन ये जो विष हम पी रहे हैं या चुंबन कर रहे हैं सांप को, जहरीले सांप को ध्यानपूर्वक जपन करने के, उसका असर 15-20 साल के बाद शुरू होगा और तब समय निकल चुका होगा, कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं, ध्यानपूर्वक जपन करना किसके समान है, धुएं पे रसोई बना पकाने के समान है। चैंटिंग इन अटेंटिवली इज लाइक कुकिंग विथ स्मोक। कोई गृहिणी है, माता है, जो इसने धुएं पे रसोई बनाया आज तक नहीं, अगर कुछ पकाना है चीज तो उसके लिए अग्नि होनी चाहिए। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं, फायर ऑफ डिवोशन सर्विस इज अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। फायर ऑफ डिवोशन इज अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। भक्ति की सही अग्नि क्या है, ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन। वो अगर अग्नि नहीं है तो आप खिचड़ी पका नहीं पाएंगे, भले बासमती राइस है, दिल्ली बासमती राइस, अच्छी दाल है, बिस्लेरी पानी है, सारी जिंदगी भर बर्तन में रखेंगे तो पकने वाले नहीं अपने आप, उसके लिए अग्नि चाहिए, फायर चाहिए। धुएं पर नहीं पका सकते खिचड़ी, जैसे बिरबल की खिचड़ी होती है, बिरबल की खिचड़ी कभी पकती ही नहीं, उस प्रकार भक्ति में हमारी खिचड़ी कभी पकेगी नहीं। अगर खिचड़ी पकेगी नहीं तो खाएंगे कभी और आत्मा संतुष्ट कभी होगा। इसलिए फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस इज अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। भक्ति की सही अग्नि क्या है, ध्यान पूर्वक जप करना। अगर नहीं है तो हमारी खिचड़ी पकेगी नहीं और खाएंगे कब। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये अग्नि होनी चाहिए, ध्यान पूर्वक जपन करना, तभी हम कुछ पका सकते हैं भक्ति में, यानी तो हम दूसरों को पका के चले जाएंगे, भक्तों को ही पकाना शुरू कर देंगे हम। तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर थे, विषयाशक्ति बनाए रखकर ध्यान पूर्वक जपन करना किसके समान है, लंगर निकाले बिना नाव चलाने का, ट्राइंग टू रो द बोट विदाउट टेकिंग एंकर आउट। तो इस प्रकार ये जो लंगर है, ये हमारा मन है, कई जन्मों से ये विषय वस्तु में फंस चुका है, इसलिए हमारी कई जन्मों से नाव भव सागर में आगे नहीं बढ़ रही है, उसी की उसी जगह है। जो नाव चलाने व्यक्ति है, रात भर अगर चलाते भी रहेगा, लेकिन उसका लंगर समुद्र के किनारे पे फंसा हुआ है, निकाला नहीं है, तो सारी जिंदगी भर भी चलाते रहेगा तो नाव एक कदम भी आगे बढ़ने वाले। उसी प्रकार हमें एक बूंद भी हरिनाम की टेस्ट नहीं आएगी, कृपा नहीं प्राप्त होगी, जब तक हम मन को बाहर नहीं निकालते, मन रूपी लंगर को। इसलिए प्रभुपाद भगवद्गीता के 17वें अध्याय में 16वें श्लोक में बहुत ही सुंदर श्लोक में और तात्पर्य में कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है मनुष्य जीवन में, विशेष करके साधक के जीवन में, वो है मन रूपी लंगर को विषय वस्तु से बाहर निकालना।
और उसको भगवान के चरणों में लगाना, तभी जाकर आत्म साक्षात्कार हो सकता है, तभी जाकर नाम में रुचि आ सकती है, तभी जाकर हम भव सागर को पार कर सकते हैं, नहीं तो ये नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मन रूपी लंगर को बाहर निकलना है, तभी नाव आगे बढ़ेगी। इसलिए ध्यान पूर्वक जपन करना किसके समान है, एक छोटा सा छिद्र बड़ी सी बड़ी नाव में। कितनी भी बड़ी नाव हो उसको भी डुबा देती है एक छोटा सा छिद्र उस नाव में, क्योंकि वो छोटा सा छिद्र छोटा नहीं होता, समय के साथ पानी के करंट के साथ प्रभाव के साथ वो छिद्र धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बड़ी से बड़ी नाव को भी डुबा दे सकते। इस प्रकार सबसे बड़ी नाव है मनुष्य जीवन, जो भव सागर में चली है पार करने के लिए, और उसमें छोटा सा छिद्र है ध्यान पूर्वक जप न करना तो बड़ी से बड़ी नाव को भी डुबा दे सकता है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, वाटर इनसाइड मेक्स इट ड्राउन, व्हाट इज द डिफरेंस, अ स्मॉल होल। पानी जो बाहर है वो मदद करता है जहाज को तैरने में, लेकिन वही पानी जब अंदर आता है एक छोटे से छिद्र के द्वारा तो वही पानी सक्षम है, काबिल है उस जहाज को डुबाने में। वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, वाटर इनसाइड मेक्स इट ड्राउन, डिफरेंस इज अ स्मॉल होल। तो ये स्मॉल होल है, छोटा सा छिद्र, वो क्या है, हमारी लापरवाही, ध्यान पूर्वक जपन करना। इसलिए हमें समय से पहले उस पर उपाय करना है, अगर समय से पहले उपाय नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। ये उम्मीद मत रखे कि समस्या कम होगी, कलयुग की तो समस्या है ही, उसके ऊपर हमें और समस्या बढ़ा रहे हैं। खुद जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जहाज को एक छेद बना रहे हैं ध्यान पूर्वक जपना करके। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इससे भी आगे जाकर एक किसके समान है ध्यान पूर्वक जपना करना, ये एक गर्भवती स्त्री के समान है। शुरुआत में जब स्त्री गर्भवती होती है तो हमें पता नहीं चलता कि वो गर्भवती है, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है हफ्ते महीने, तो अपने आप वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे अपना गर्भ वो छुपा नहीं पाती। उसी प्रकार हमारे अनर्थों का गर्भ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी शुरुआत में नवसिखिया भक्त के कारण, लेकिन 15-20 साल के बाद इतना गर्भ बढ़ जाएगा हम छुपा नहीं पाएंगे और हमें भक्ति छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि वो बाकी लोगों से छुप नहीं पाएगा। इसलिए यहां पे सुंदर उदाहरण बता दें कि किसके समान है, एक छोटी सी गर्भवती स्त्री, वो छोटी नहीं होती, समय के साथ बढ़ती जाती है उसका गर्भ। उसी प्रकार उपाय बता दें उस पर क्या करना है, स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन, समय पे सुई धागा करना है। अगर धोती को या साड़ी को छेद गिराए छोटा सा, एक छोटा सा होल, तो उसको समय पे धागा करेंगे तो एक ही धागा मारना पड़ेगा, लेकिन वही उसके लापरवाही करेंगे तो कई दिनों के बाद वो साड़ी या धोती फेंकना पड़ेगी क्योंकि छेद बढ़ता रहेगा समय के साथ। या बीमारी का लक्षण देकर अगर दवाई नहीं करेंगे तो बाद में दवाई भी काम करना बंद कर देती है। इसलिए समय से पहले हमें चेतावनी समझकर इसको क्या करना है, क्योंकि समय के साथ हमारा अपराधों का अनर्थों का गर्भ बढ़ता जाएगा और कभी भक्ति से चले गए पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी लोग चले गए उनका कारण एक है, क्योंकि वो अपने अनर्थों के अपराधों के गर्भ को छुपा नहीं पाए। जो भी पतन का कारण है वो है वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, गुरु अपराध, अनर्थ अलग अलग प्रकार के। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए ये ध्यानपूर्वक जप करने में, क्योंकि भक्तों ठाकुर कहते ये जो अंग्रेजी शब्द है इन अटेंशन, उसमें ही सब कुछ दिया है। क्यों हम इतने परेशान हैं भक्ति में आने के बाद, हरे कृष्णा जप करने के बाद भी, वो कहते हैं इन अटेंशन ही आपको बता देता है, इस शब्द में ही सब कुछ बताए। इन अटेंशन का मतलब है इन अटेंशन, कभी कभी नहीं, ऑलवेज इन अटेंशन। जैसे लोग कहते कभी 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 खुशी कभी गम, नहीं, ऑलवेज इन अटेंशन। जिस प्रकार ये व्यक्ति पूरी परेशान है कि कभी भी उसकी डोर कटकर उसका मृत्यु हो सकता है, उससे ज्यादा परेशान हम हैं हाथ में माला लेकर, क्योंकि
प्रभुपाद कहते हैं ऑलवेज चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, फिर भी हमारा टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हमेशा टेंशन लेकर घूम रहे भक्ति में, एक बोझा लेकर घूम रहे। सबसे बड़ा बोझा क्या है साधक के लिए? 16। 16 बोलते ही पेट में गोला आता है, तो ये 16 माला का बोझा लेकर हम घूम रहे हैं। इसलिए आज से इसके बाद हमें ये बोझा नीचे उतारना है। उस पर उपाय क्या है? भूरीजन प्रभु एक बार होली नेम सेमिनार बता रहे थे, जब गिरगांव चौपाटी में आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला बताया, टेंशन फ्री फॉर्मूला, कैसे इस बोझ को हम नीचे उतार दें। क्योंकि 16 माला का बोझ लेकर हम जब बैठते हैं, ना तो हमारा जप होता है, ना तो कोई सेवा होती है। इसलिए वो बताते हैं टेंशन फ्री फॉर्मूला क्या है, 1 मंत्र एट अ टाइम, एक समय एक मंत्र पे ध्यान देना है, जितनी भी शक्ति है तन मन धन एक मंत्र पे लगाना है, एक मंत्र भी काफी है हरे कृष्ण महामंत्र आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। इसलिए पुट योर हार्ट एंड सोल इन 1 मंत्र, 1 मंत्र एट अ टाइम, 1 by 1। अगर ध्यान पूर्वक एक जप करेंगे सारी शक्ति लगाकर तन मन लगाकर, तो हमें आंतरिक शक्ति मिलेगी, आंतरिक समाधान मिलेगा अगला मंत्र बोलने के लिए। अभी क्या हो रहा है, 16 का जो बोझ है वो हमें तकलीफ दे रहा है, हमेशा हर एक मोती पे वही बोझ आगे बढ़ा रहे हम, और धीरे धीरे 16 माला का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो कह रहे थे 1 मंत्र एट ए टाइम, एक समय एक ही मंत्र, पूरी तन मन धन लगाकर, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मेरे जितने भी अवतार है सभी अवतारों की शक्ति मैंने नाम में लगाई है। अवतार कितने हैं? अनंत है, अनगिनत, जैसे समुद्र की लहरें गिन नहीं सकते, समुद्र के किनारे जो रेती के कण होते हैं वो गिन नहीं सकते, बालू के कण, उससे भी ज्यादा भगवान के अवतार है, उस सभी अवतारों की शक्ति भगवान ने कलयुग में लगाई है नाम में। तो पूछ रहे मैंने सारी शक्ति लगाई, आप क्यों नहीं अपनी शक्ति लगा रहे हो, आप क्यों पीछे हट रहे हो? इसलिए पूरी शक्ति लगाकर हमें क्या करना है, तन मन धन से एक एक मंत्र करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमें उसमें आनंद मिलेगा, तभी हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा अगला मंत्र करने के लिए, तभी हमें क्या मिलेगी, उत्साह मिलेगी अगला मंत्र करने के। नहीं तो हमेशा 16 माला का बोझ लेके बैठेंगे तो किसी भी मंत्र को सुनने में हम काबिल नहीं होंगे। जब करना इसलिए कर रहे हो बस, केनो हरे कृष्णा नहीं खेचो हरे कृष्णा, हमारी ध्यान 108 की माला पे नहीं होगी, बाहर जो लटक रही है 16 की माला उस पर ध्यान ज्यादा होगा। इसलिए 16 का बोझा लेकर नहीं बैठना है। जैसे वो बता रहे थे अचानक एक दिन आप बैल को उठा नहीं सकते, बैल इतना वजनदार होता है, कोई व्यक्ति समझे कि अचानक मैं बैल को उठा नहीं, उसको क्या करना होगा, अगर बैल को उठाना है तो बचपन से एक बछड़े को उठाना शुरू करना है, तो धीरे धीरे मनुष्य का वजन बढ़ता जाएगा, वो बच्चे से युवा बन जाएगा, जवान बन जाएगा, उसी प्रकार जो बछड़ा है वो भी बछड़े से बैल बन जाएगा। तो आराम से धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करने से इस प्रकार क्या होगा, एक दिन आराम से वो बैल को बैठा। उसी प्रकार 16 माला का जो बोझा है अचानक एक दिन उठा नहीं सकते हम, क्योंकि कई करोड़ जन्मों से हमने प्रैक्टिस नहीं किया। अचानक 16 माला करना एक किसके समान है, एक बैल को उठाने के समान है। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एक एक माला के बाद, एक एक मंत्र के बाद, और हमारी इच्छा होगी और जप करने की। अभी हमारी इच्छा नहीं होती 16 माला के बाद, ऐसी जगह हम जप माला छुपाने रखना चाहते हैं कि भगवान भी आए तो उसको ढूंढ के नहीं निकले। और इसलिए हम देखते हैं, हाँ प्रभुपाद कहते हैं कि रियल टेस्ट फॉर चैंटिंग बिगिंस एट द 17th माला। नाम में रुचि है कैसे पता करना है, तो 17वीं माला शुरू करना है। तो 17वीं माला जब शुरू करते हैं तो हमारी उसमें क्या भावना है, किसको किसको गाली दे रहे, गुरु महाराज को गाली दे रहे, प्रभुपाद को गाली दे रहे, जिसने हमें माला हाथ में दी है उसको गाली दे रहे, हाँ तो ये भावना अगर हो गई तो हमें नाम में रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं 16 इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम। 16 माला क्या है, एक कार्ड पंचिंग करने के समान है। कंपनी में जाते हैं तो 8 घंटे का जो कार्ड पंचिंग करते हैं उसके समान है, उससे प्रमोशन नहीं मिलेगा, दीपावली बोनस नहीं मिलेगा, वहाँ बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी। कंपनी में 8 घंटे से जब ज़्यादा काम करते हैं या जो
बॉस है उसकी सेवा करते हैं, उसके घर की सेवा करते हैं, उसके पत्नी की सेवा करते हैं, तो खुश होकर हमें प्रमोशन देते हैं, बड़ी पोस्ट देते हैं, अच्छी ट्रांसफर देते हैं, अच्छा पेमेंट देते हैं। तो 8 घंटे से कुछ नहीं होगा। अगर हरिनाम के साथ मित्रता बढ़ानी है, नाता बढ़ाना है, तो 8 घंटे से 2 घंटे से कुछ नहीं होगा। हमें जितना हो सके ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, घर में पत्नी के साथ नाता बढ़ाना है तो पहले दिन नहीं बनता शादी के बाद, बच्चों के साथ तुरंत नाता नहीं बनता, या बॉस के साथ पहले दिन हम गले में हाथ डालकर नहीं बोलते हाउ आर यू बॉस, नहीं, 10-15 साल के जाने के बाद उससे जब कीमती समय निकालते उनके लिए, तभी भौतिक जगत में कोई नाता बनता है। तो ये तो हम हरिनाम के साथ नाता बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें कीमती समय निकालना होगा। इसलिए हमें क्या करना है, भक्तों के संग में आकर जप करना है ध्यानपूर्वक और जितना हो सके ज्यादा। तो हिज होलनेस देवामृत महाराज एक बार कह रहे थे एक प्रवचन में कि जो ध्यानपूर्वक जप है वह समय की बचत नहीं करता, समय का निर्माण भी करता है। कैसे समझे वो बता रहे थे कि अगर ध्यानपूर्वक हम जप नहीं करेंगे भक्तों के संग में आकर, तो वही ध्यानपूर्वक जप न करने के कारण भक्तों के संग में वही जप हमें जो 2 घंटे लेता है 16 माला करने के लिए, वही 2 घंटे का जप हमारा 18 घंटे तक चलेगा। सुबह 6 बजे शुरू होगा हमारा जप, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे, भक्तों के संग में नहीं कर रहे, सुबह 6 बजे शुरू हुआ और रात 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे तक ही क्यों, क्योंकि लास्ट लिमिट है वो, इसके बाद गिनती नहीं कर सकते हम माला की। इसलिए 6 बजे जो जब शुरू हुआ है वो रात 12 बजे तक चलता है। इसका मतलब कितने घंटे हुए, 6 से 6 12 घंटे, और उसके बाद 6 घंटे 18 घंटे, तो ये 20/20 मैच हो गए हमारे, लिमिटेड ओवर्स की मैच। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, जो चीज के लिए 2 घंटे लगने चाहिए उसके लिए हम 18 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी क्वालिटी नहीं है, वो भी ध्यानपूर्वक नहीं। इस प्रकार हम समय की बर्बादी कर रहे हैं, समय की बर्बादी यानी खुद की बर्बादी है। इसलिए जो समय बचा रहे हैं वो समय का निर्माण है। इसलिए प्रभुपाद की यही इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इस्कॉन का निर्माण किया, ताकि सभी साधकों को ये सुनहरा अवसर मिले, भक्तों के संग में आकर ध्यानपूर्वक जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भी है जप करना ही है 16 माला, तो क्यों ना भक्तों के संग में आकर। अगर मंदिर नजदीक है तो मंदिर में आइए, या मंदिर दूर है तो जपा ग्रुप फॉर्म कीजिए अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में। जितना हम भक्तों के संग में आकर जप करेंगे उतना इस हरिनाम का नशा का आनंद लुटा सकते हैं। जो भी हम सुन रहे हैं सिर्फ साधु गुरु शास्त्र से हरिनाम की महिमा, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं, एक्सपीरियंस द पावर बियॉन्ड टाइम, एक्सपीरियंस पावर बियॉन्ड क्रिएशन बाय चैंटिंग अटेंटिवली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो 16 माला करनी है तो क्यों ना भक्तों के संग में आकर करें। इसलिए सेमिनार के उद्देश्य के अंत में कि जहां भी आप है वहां रहकर अपने इलाके में, अपने एरिया में, या कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर में आकर भक्तों के संग जप करें। तो एक बार इसका चस्का लग गया तो किसके समान है, खून का चस्का लगता है शेर को, उसके समान है। एक बार खून का चस्का लगता है शेर को तो कुछ भी करने के लिए आता है उसके। या जब नशा की पार्टी होती है बाहर, दारू की पार्टी होती है, उसमें जितने बेवड़े होते हैं उतने नशा की मजा और बढ़ते। उसी प्रकार ये हरिनाम की नशा करने हैं तो जितने बेवड़े एकत्रित आएंगे उतना आनंद आपको मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं तो इस सेमिनार का नाम क्या है, होली नेम सेमिनार, HNS। नहीं तो हमें बोलना पड़ेगा हम नहीं सुधरेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, सिर्फ सुन के चले जाएंगे, इस कान से उस कान। तो ये हमारे संस्था का नाम नहीं, इस कान का मतलब ये नहीं, इस कान से उस कान, तो चली जाएगी मुस्कान। ये किसके समान है, जैसे एक बार एक जंगल में शिकारी अचानक आकर पेड़ के नीचे जाल बिछा दिए और दाना डाले और तुरंत पेड़ के नीचे छुप गए दूसरे पेड़ के नीचे। तो जैसे ही जाल में दाना देखा तो पंछी उड़ते उड़ते आकर दाना खाने लगे। जैसे खाने में पूरे मग्न थे तो शिकारी आकर उनको पकड़कर लेके चले गए।
तो ये देखकर बाकी जो बचे थे वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई कि क्या बड़ी आपत्ति आ गई, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। तो जिनके वरिष्ठ नेता थे उन पंचों के, वो कहने लगे हमें अभी कुछ तो उपाय करना होगा, नहीं तो फिर से कल शिकारी आएगा, फिर से पकड़ के लेके जाएगा। तो सबने ये तय किया कि जो जंगल में साधु रहते हैं उनके पास जाएंगे, उनसे कुछ सलाह लेंगे। सब पंछी चले गए साधु के पास और कहने लगे ये आपत्ति आ चुकी हम पे, आप हमें कुछ मदद कीजिए। साधु ने कहा इस पे एक उपाय दिखाई पड़ता है मुझे, मैं आपको ऐसा एक मंत्र दूंगा, उसको सिर्फ सुनना नहीं, उसका मनन करना है, चिंतन करना है, उसका अर्थ समझना है और उस प्रकार आपको बर्ताव करना होगा, जीवन में उतारना होगा। तो उन्होंने मंत्र दिया। मंत्र क्या था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल कर भी जाल में फंसना नहीं। तो ये सब पंछी बायहार्ट करने लगे, जैसे उड़ते उड़ते अपने घर जा रहे थे तो थोड़ा प्रैक्टिस करने लगे, पेड़ पर बैठकर रात भर नेट प्रैक्टिस करने लगे, भले नेट में नहीं थे, नेट प्रैक्टिस करने लगे। जैसे सुबह हुई तो हर एक की चिड़चिड़ाहट पंछियों की सुनाई दी, उसमें यही मंत्र सुनाई देता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल कर भी जाल में फंसना नहीं। जैसे उन्होंने देखा दूर से शिकारी आ रहा है तो जोर से बोलने लगे ताकि शिकारी को सुनाई दे। तो शिकारी बेचारा परेशान हो गया, किसने मेरे पेट पे लात मार दी। फिर भी सोचा कि पंछी देखते क्या करते हैं, पेड़ के नीचे आकर उन्हें जाल बिछा दिया और दाना डाले और तुरंत छुप गए। जैसे दाना देखे तो उड़ते उड़ते पंछी आके आने लगे दाने की तरफ, जाल की तरफ, और उड़ते उड़ते जब आ रहे हैं तो एक दूसरे को पूछ रहे थे आपको मंत्र मालूम है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल कर भी जाल में, जाल में आकर दाना खाने लगे। खाते खाते एक दूसरे को पूछ रहे आपको मंत्र मालूम है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल कर भी जाल में फंसना नहीं। तो तुरंत शिकारी आकर जाल में पकड़कर अपने कंधे पे लेके जाने लगे। तो जाते जाते एक दूसरे को पूछ रहे आपको मंत्र मालूम है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल कर भी जाल में फंसना नहीं। वही हमारा अवस्था है। साधु ने हमें मंत्र दिया है प्रभुपाद ने, लेकिन क्यों दिया है, उसका अर्थ क्या है, उसका मनन चिंतन हम भूल चुके हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इसके आगे समझना है, इस महामंत्र का अर्थ क्या है। हे भगवान की शक्ति हमें आपकी सेवा में लगाइए, तो तुरंत वो सेवा स्वीकार करेंगे। भौतिक जगत में क्या होता है, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ही जॉब मिल जाता है। ऐसी एक संस्था है जहाँ पे सिर्फ हमें बताना है मुझे सेवा करना है, तो तुरंत राधा रानी उसकी सेवा को स्वीकार करते, कहते भगवान कृष्ण को कि जीवात्मा मुझसे अच्छी आपकी सेवा कर सकता है, सेवा करेगा, आप उसे लीजिए अपनी सेवा में। तो कृष्ण तो कहे गुरु के जोरू के गुलाम है, तुरंत राधा रानी का कहना सुनकर उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन दो तीन दिन के बाद उनको पता चलता है ये तो कोलू का बैल है, उल्लू का पट्टा है, सेवा के लायक नहीं। फिर भी राधा रानी ने कहा है कि मुझसे अच्छा सेवा करेगा, तो भगवान हमें वो सेवा के लिए पात्र बनाते हैं, वो योग्यता देते हैं। इसलिए इस्कॉन में पहले हमें सेवा मिलती है, उसके बाद योग्यता मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है, इस प्रकार पंचों के समाज सिर्फ बोलना नहीं है हरे कृष्णा, उसका अर्थ क्या है, जप करने से हमारी सेवा भावना बढ़नी चाहिए, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है दूसरों जीवों को देना चाहिए, परोपकार पर दुख दुखी होने चाहिए। तो सेवा भावने की वृद्धि होनी चाहिए, भक्तों को संग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मंदिर आने की इच्छा होनी चाहिए। ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये साप्ताहिक नहीं है या वार्षिक नहीं है, नित्यम भागवत सेवा है, हर रोज हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन किसके समान है, सांस लेने के समान, सांस कभी कभी नहीं लेते हम, हर क्षण हम सांस लेते इसलिए जिंदा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की सांस क्या है, ये श्रवण और कीर्तन ध्यान पूर्वक, जितना भक्तों के संग में आकर हम करेंगे उतने हम ज्यादा भगवान की सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार हमें सिर्फ हरे कृष्ण मुंह से बोलना नहीं, हाँ तोते के समान, उसका अर्थ क्या है, उसमें भावना क्या है, हाँ उसका मीनिंग क्या है हमें समझना है। नहीं तो क्या होगा, समय पर सुधरेंगे नहीं तो पागलपन निश्चित है। ये आखिरी क्या है, स्टेज है, अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं करें तो क्या हो सकता है, और ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। और जब सचमुच पागल हो जाएंगे तो समय निकल चुका होगा, क्योंकि ध्यान पूर्वक जप न करने को संस्कृत में कहते हैं प्रमाद और इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रमेड,
प्रचुर मैत्र ने मेड। इस प्रकार 20 साल के बाद हमको सिर खुजलाना होगा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे हाथ में माला किसने दी, मैं क्यों जप कर रहा हूँ, यह हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, प्रभुपाद कौन है, ये सब प्रश्न आएंगे। अरे ऐसे कई लोगों ने पूछा है, क्योंकि हमारा गीता कोर्स पहला दिन शुरू हो जाता है 20 साल के बाद अगर हम ध्यानपूर्वक जपने करें। इसलिए हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करना है, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं होगा। जैसे हमने कहा ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे असर करता है, इसलिए फिलहाल हमें इस पर विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत ही आराम से चल रहा है। हर संडे पंडित सब्जी मिल रहे, चार यात्रा हो रही है, अच्छा सोशल गैदरिंग चला है, कोई मरा तो हरे कृष्णा, कोई जिंदा तो हरे कृष्णा, किसकी शादी तो हरे कृष्णा, कोई गिर भी जाता है तो तुरंत तैयार होते हैं हरे कृष्णा बोलने के लिए, कीर्तन करने के लिए, लगता है कि अभी भगवत धाम जा रहे प्रभु जी। तो क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं हमें, बाकी लोग कर रहे इसलिए कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार हमारा आध्यात्मिक जोन चल रहा है और हम बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं, जैसे चाहिए हमारे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जब कर रहे हैं हमारे स्टाइल से, नोकिया पे बात करते हुए, विंडो शॉपिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। तो हमने इतना गिरा दिया है हमारा स्तर, और जो सबसे स्पिरिचुअल है उसको रिचुअल के स्तर पे लाके है। इसलिए योगा का मतलब है टू स्ट्रेच, हर एक योगा में हमें स्ट्रेच करना होता है, और भक्ति योगा में भी हमें खुद को स्ट्रेच करना होगा, इस कंफर्टेबल जोन से बाहर आना होगा और ध्यानपूर्वक जप करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे बुरी बात क्या है, ये जो ध्यानपूर्वक जप नहीं करे उससे हम उब नहीं चुके हैं, हमें और अच्छा लगता है, क्योंकि एक साथ चार चार पांच पांच काम हो रहे, पहले जप करने से पहले सिर्फ एक ही काम करता था, अभी बुद्धि इतनी भाग रही है, तेज हो रही है कि जप के साथ और चार पांच भी काम कर सकता हूं, इसलिए और आनंद आ रहा है उसमें। लेकिन दो मिनट की मजा सारी जिंदगी भर की सजा हो जाएगी आगे जाकर। इसलिए हमें क्या करना है, जिस क्षण हम इससे उब जाते हैं, पक जाते हैं ध्यानपूर्वक जप न करने से, वो हमारी एक नई सुबह होगी आध्यात्मिक जीवन की, वो हमारी रिटर्न जर्नी होगी भगवत धाम। जब तक हम खुद से पक नहीं जाते, उब नहीं जाते कि कितना मैं नाटक कर रहा हूं भक्ति का, भले गिरवा वस्त्र पहना है, गले में कंठी माला है, हाथ में माला है, माथे पे तिलक है, इतना नाटक करने पर भी, ध्यानपूर्वक जप न करने पर भी भगवान तीन दिन का रोज का खाना दे रहे हैं, अच्छे से भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर सचमुच मैं ध्यानपूर्वक जप करूंगा, सही भावना से भक्ति करूंगा, तो भगवान क्या नहीं देंगे, तुरंत भगवत धाम ले जाएंगे। तो इतने दिन से मैं नाटक कर रहा हूं, भले मैं कर्नाटक से हूं, तो सचमुच अगर भक्ति करूंगा, सचमुच अगर वैष्णव बनूंगा, भक्त बनूंगा, तो भगवान मुझे क्या नहीं देंगे, ये सोचकर हमें पक जाना चाहिए, हमें बुरा लगना चाहिए कि मैं वास्तव में भक्ति नहीं कर रहा हूं, भक्ति की अभी तक शुरुआत नहीं, जप की शुरुआत नहीं की मैंने। ऐसे विचार जब आएंगे तो एक क्या होगी, हमारी नई सुबह होगी आध्यात्मिक जीवन की, वो हमारी रिटर्न जर्नी होगी भगवत धाम। इसलिए हमें आवश्यक है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं, पागलपन हमारा ना दिख रहा है। जैसे भौतिक जो लोग होते हैं उनको कहते हैं आप दुखी नहीं है, लेकिन आपका दुख आपके चौराहे पे राह दिख रहा है, आपके घर पे चौराहे पे राह दिख रहा है। उसी प्रकार अभी हमें विश्वास नहीं पागलपन पे, लेकिन हमारा पागलपन हमारी राह दिख रहा है, अगर हम अभी इससे सुधरेंगे नहीं। और जब सचमुच पागलपन छाएगा तो समय निकल चुका होगा, अब चुड़िया अब क्या पछता है, जब चुड़िया चूक के खेत, जैसे बर्तन से दूध उबल जाता है तो फिर से उसको बर्तन में डाल नहीं सकते, उसी प्रकार एक बार समय निकल चुका तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए हमें समय से पहले सुधारना है। इसलिए इस पहले सेशन में हमने देखा कि समस्या क्या है, इस समस्या का जड़ किधर है, ये ढूंढ के निकाला, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मत समझो इसको मजबूरी, ये है बहुत जरूरी, समस्या को ढूंढ के निकाला। क्योंकि पागलपन पे हमें क्या करने करना है, अपने सिर पे हथौड़ा नहीं मारना है, हथौड़ा किस पे मारना है,
ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, उस पर मार रहे हैं, समस्या पे मार रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति बंबई में था, उसके पास लेटेस्ट अमेरिका से कार गाड़ी लेके, लेकिन उनको चलाना मालूम नहीं था, इसलिए बार बार गाड़ी बंद पड़ रही थी। तो बड़े बड़े मैकेनिक को कॉन्टैक्ट किए, गैरेज को कॉन्टैक्ट किए, फिर भी कोई गाड़ी रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल था, इसको मालूम नहीं था। लेकिन एक मैकेनिक आगे आ गए, क्योंकि उनको पता चला कि मूर्ख व्यक्ति है, उसको गाड़ी चलाना आता और बड़ी मालदार पार्टी है, तो उससे पैसा ज़्यादा ले सकते हैं। सोचकर उसने कहा कि आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मैं बोनेट खोल देता हूँ। जैसे उसने बोनेट खोला और मालिक ने गाड़ी स्टार्ट की, रेस की, तो उसको पता चला कि गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं, इस व्यक्ति को गाड़ी चलाना है। इसलिए उसने सोचा कि अभी इससे पैसा निकालना ही है। इसलिए उसने क्या किया, जो बोनेट खोला था, उस बोनेट के अंदर जो एक पुर्जा था, उस पर हथौड़ी से जोर से मार दिया, तो गाड़ी और जोर से रेस होने लगी। तो मालिक बहुत खुश हुए गाड़ी फिर से रेस होने के कारण। वो कहने लगे कि अभी इसका बिल कितना हुआ, तो मैकेनिकल ने इसका बिल आपके ऑफिस में भेजा जाएगा। अगले हफ्ते ऑफिस में इसका बिल आ गया। तो बिल देकर मालिक को पसीना छूट गया, क्योंकि उसने 1000 रुपये चार्ज किए थे। भागते भागते मैकेनिक के पास आकर कहने लगे, आपने हथौड़ा मारने का तो 1000 रुपये चार्ज किया है, ये कैसे हो सकता है, आप मुझे उल्लू बना रहे हैं। वो कहने लगा, आपको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं, आप पहले से उल्लू है। आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैंने हथौड़ा मारने का 1 ही रुपये लिया है, लेकिन हथौड़ा कहाँ पे मारने का है उसका 999 रुपये चार्ज किया है। उसी प्रकार आज हमें पता चला हथौड़ा कहाँ पे मारना है। हथौड़ा गलती से भी पागल बनकर हमें सिर पे नहीं मारना है अपने, हथौड़ा मारना है ध्यान पूर्वक जप न करने पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र किसके समान है, 100 सोनार की 1 लोहार की। इसलिए हमें सारी शक्ति लगाकर इस समस्या पे मारना है हथौड़ा ध्यान पूर्वक जप। तो जितनी भी समस्या है, आध्यात्मिक, भौतिक, फाइनेंशियल, घर की प्रॉब्लम, दुकान की प्रॉब्लम, व्यापार की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, एग्जाम की प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या है, उन सब समस्या पे एक ही समाधान है, वो है जितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे उतनी जल्दी उस समस्या से बाहर आएंगे, क्योंकि समस्या की कोई कमी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेते तब तक भौतिक जगत में समस्या चलती रहेगी, लेकिन सभी समस्या का एक ही समाधान है, वो है नाम के आश्रय। जितना हम ध्यान पूर्वक नाम के आश्रय लेंगे उतनी जल्दी हमें शक्ति मिलेगी उस समस्या को झेलने की या उस समस्या से बाहर आने की। इसलिए आज से एक ही कार्य करना है, बाकी सभी चीजें अपने आप नाम से जुड़ जाएंगी, नाम इतना शक्तिशाली। बाकी जो भी प्रोजेक्ट है, अगर हमारे फाउंडेशन ठीक है तो आध्यात्मिक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। बाकी जो भी प्रोजेक्ट है अपने आप नाम से आकर मिलेंगे, नाम अपने आप सबको खींच लेगा, इतना आकर्षक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, सब कुछ अपने आप आएगा। जब अगर फाउंडेशन ही ठीक है तो अपने आप क्या होगा, सब चीजें आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए इसके आगे जो इस्कॉन में मंदिर बनेंगे वो ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से नहीं बनेंगे, वहां के भक्तों से बनेंगे। क्योंकि कोई इमारत, कोई आध्यात्मिक बिल्डिंग सीमेंट से, ईंट से या पत्थर से नहीं बनती। वहां जो भक्त है, उनकी जो साधना है, उनका जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, उस पर निर्भर है वहां की आध्यात्मिक प्रगति। इसलिए हम जितना आध्यात्मिक प्रगति करेंगे श्रवण और कीर्तन करके, उतने सारे प्रोजेक्ट अपने आप ऊपर आएंगे। जैसे दूध में सब कुछ है, दही है, छाछ है, बटर है, बटर मिल्क है, दूध है, पेड़ा है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, सिर्फ हमें ध्यान पूर्वक दूध को उबालते जाना है, समय के साथ एक एक चीज प्रकट होती जाएगी। उसी प्रकार नाम में सब कुछ है, जितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन करते जाएंगे नाम का, तो एक एक चीज प्रकट करते जाएंगे, एक एक प्रोजेक्ट। इसलिए कलयुग में हमें एक ही चीज करना है, नाम के आश्रय लेना है ध्यान पूर्वक जप करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तभी हम स्पिरिचुअल वॉरियर बनेंगे इस भक्त के समान, जो हनुमान के समान उसकी परिचाई है। तो हमें हनुमान के समान सेवा की भावना प्राप्त होगी जब हम ध्यान पूर्वक जप करें, कोई भी सेवा के लिए हम तैयार होंगे। अभी सेवा बोलते ही हमें क्या होता है,
डर लगता है कि क्या सेवा बोलने वाले हैं। इसलिए कोई जो सेवा बोलते थे, प्रभु जी मेरा जब बाकी है, ये हम कारण देते। जब का उद्देश्य क्या है? सेवा करना। लेकिन जब सेवा आती है तो हम जब के पीछे छुप जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान पूर्वक जप करके सुबह सुबह दिन भर के लिए कोई भी सेवा है उसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है, हर एक प्रकार की सेवा हम करने के लिए लायक बन जाते हैं। हनुमान के समान, जिस भक्त की परिचय है हनुमान के समान, वो कुछ भी करने के लिए रहे, यहां तक कि भगवान की जो अमानत है भौतिक जगत, वो भी भगवान की सेवा में लग सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, वी कैन टेक ओवर द होल वर्ल्ड विद इन 18 डेज, जस्ट लाइक पांडवास टुक ओवर द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। सिर्फ हमें क्या करना है? नाम पर विश्वास रखना है। नाम बिना किचु नहीं, 14 भवन माजी। और विश्वास से प्रभुपाद अमेरिका चले गए। सिर्फ उनके हरिनाम की जो श्रद्धा थी, उसके कारण इस्कॉन का निर्माण हुआ। गुरु के वचनों पर श्रद्धा और हरिनाम पर श्रद्धा, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा दो आवश्यक है, नहीं तो हम फिर से विष्ठा खाने में लग जाएंगे। इसलिए देखते हैं कि टॉमस्क्विन स्वेयर पार्क में पहली बार एक डुबकी लेकर प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का ये जप शुरू किया। वहां से इस्कॉन की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार जो नाम है सब कुछ प्रकट करेगा, जैसे नाम ने ही इस्कॉन को प्रकट कर दिया। तो जितने भी इस्कॉन के प्रोजेक्ट है, निर्भर है कि हमारी श्रद्धा कितनी है नाम के प्रति, गुरु के प्रति, उस पर निर्भर है। तो अपने आप भगवान हमें वो शक्ति देंगे प्रोजेक्ट सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। क्योंकि भगवान ने सब कुछ शक्ति लगा दिया है नाम में, नाम नाम कारी बहुत आने से। सिर्फ हमें विश्वास से, श्रद्धा से, जो बताया गया है 4 नियमों का पालन और 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने की कोशिश जारी रखना है, तभी हरेक प्रोजेक्ट सफल हो सकते हैं। और अंत में हम देखते हैं, वी हैव टू पुट अवर हार्ट एंड सोल इन चैंटिंग। इसलिए दो चीजें आवश्यक है ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। पहली चीज है हमारा सातत्य से भरा प्रेम भरा प्रयास, जिसके कारण यशोदा माई भी दामोदर को बांध सकती। भगवान को कौन बांध सकता है जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं? लेकिन यशोदा माई का जो सातत्य से प्रेम भरा प्रयास था, वही सबसे बड़ी योग्यता थी भगवान को बांधने। उसी प्रकार हमारा जो प्रयास है भगवान को हमारे हृदय में बांधने की जपमाला के द्वारा, वो यशोदा माई के समान है। उसमें हमारा खुद का प्रयास पहले होना चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसलिए पहली उंगली कम होती है, दो उंगली कम पड़ती है दामोदर। पहली उंगली क्या है? हमारा खुद का प्रयास, सातत्य से भरा हुआ प्रेम भरा प्रयास। और दूसरी उंगली है भगवान की स्वेच्छा। इसलिए पहले हमें अपनी क्या करनी चाहिए? प्रयास जारी रखना चाहिए सातत्य से, क्योंकि सातत्य ऐसा एक गुण है, दिव्य गुण, जो बाकी सभी आध्यात्मिक गुणों को आकर्षित करता है। जैसे बताते हैं कि एक एक बूंद भी सातत्य से अगर पत्थर पे, चट्टान पे गिरती रहेगी तो चट्टान या पत्थर पिघल जाते हैं, फट जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जो हृदय है, अंतकरण है, दिल है, वो पत्थर के समान बने अनर्थों के कारण, अपराधों के कारण। उसमें अगर एक एक बूंद भी सातत्य से, निरंतरता से गिरती रहेगी ध्यान पूर्वक जबकि, तो चट्टान भी पिघल जाएंगे। या दूसरा उदाहरण बताते भक्तिनाथ ठाकुर, जैसे कोई नौकर है 30 साल से निरंतरता से, सातत्य से एक ही मालिक की, एक ही स्वामी की नौकरी कर रहा है, तो नौकर नहीं कहलाता, वो घर का सदस्य कहलाता है। जो नौकर सातत्य से, निरंतरता से एक ही मालिक की सेवा कर रहे 30 साल से, तो नौकर नहीं कहलाता, वो घर का सदस्य कहलाता है। उसके पास टीवी की चाबी होती है, कार की चाबी होती है, जब मालिक यात्रा पर जाता है तो पूरी घर की चाबी देकर चले जाते हैं। उसके विपरीत कहीं नया नौकर है, हर रोज नौकरी अलग अलग स्वामी की कर रहा है, उसको अगर लॉकर साफ करने बोलेंगे तो घर साफ करके चला जाएगा। इसलिए भगवान ऐसे साधक पर विश्वास नहीं रखे। जो निरंतरता से ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, उसको भगवान अपने घर का सदस्य बुलाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे तुरंत। और जिस प्रकार किसान अगर पानी प्राप्त करना चाहता है जमीन से अपने खेती में, तो एक ही जगह वो बोर मारते जाते हैं, बोरवेल खोदते, तब अलग अलग जगह बोर नहीं मारते, अलग अलग जगह बोर मारेंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हरिनाम का पानी प्राप्त करना है, हरिनाम में रुचि प्राप्त करना है, तो हमें निरंतरता से बोर मारते जाना है, बोर नहीं होना है हमें, एक ही जगह ध्यान पूर्वक जप करने में
लगाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और अंत में कि जो भी हम कार्य करें दो घंटे का जप छोड़कर, बाकी 22 घंटे जो भी कार्य करें, भले भौतिक जगत में हो या घर में हो, वो बाकी 22 घंटे जो कार्य कर रहे हैं वो हमें मदद करना चाहिए अगले दिन दो घंटे ध्यानपूर्वक जप करने में। अगर ये नहीं हो रहा है तो श्रम ये वही केवलम, ये किसके समान है, अनाज के छिलके निकालकर सारी जिंदगी भर कूटना, उससे फायदा क्या होता है, तीन फायदे होते हैं, श्रम ये वही केवलम, श्रम श्रम और श्रम, सिर्फ कष्ट कष्ट और कष्ट, इस प्रकार कष्ट करते करते कस्टमर बन जाते हैं हम। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है, नेट प्रैक्टिस के समान है, 22 घंटे जितना नेट प्रैक्टिस अच्छा करेंगे उतना टेस्ट मैच में हमें आसान होगा। इसलिए भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, जो भी भौतिक जीवन में कार्य करे वो किसके समान है, युद्ध है माया के विरुद्ध। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन आप भी युद्ध कर रहे हैं, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, लेकिन आप अगर मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करोगे तो विजय निश्चित है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। इसलिए हमें क्या करना है, आज से सिर्फ हर एक कार्य में भगवान को जोड़ना, यही सर्वोत्तम योग है। योग का मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं, योग का मतलब है जोड़ना हर एक कार्य को भगवान के नाम के साथ। झाड़ू मार रहे तो उसके साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक चलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पोछा मार रहे, बर्तन साफ कर रहे, रसोई बना रहे, टाइपिंग कर रहे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या मंदिर में कोई सेवा कर रहे, बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चलना चाहिए। जैसे हिंदी मूवीज में जो मेन गाना होता है उसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है, उस प्रकार हर एक कार्य के पीछे भगवान को जोड़ना है तो वही सर्वोत्तम योग है। उससे क्या फायदा होगा, हमारी जीवा को आदत लगी 16 स्पष्ट रूप से उच्चारण करने की शब्दों की, कान को आदत पड़ेगी 16 शब्द सुनने की, और मन को आदत पड़ेगी भगवान के चरणों में रहने की। उससे बहुत आसान होगा अगले दिन दो घंटे बैठकर ध्यानपूर्वक जप करना। इसलिए यही मत रूपा है ध्यानपूर्वक जप करने पे, इसलिए तभी जाकर हमें भगवान की बंसी सुनाई देगी, हरे कृष्ण महामंत्र और कोई नहीं, ये भगवान की बंसी की आवाज है। लेकिन आप क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि हम आईट्यून सुनने में इतना मग्न है, आईट्यून का मतलब मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं, आईट्यून या माया की ट्यून सुन रहे हैं, कृष्णा ट्यून सुनाई नहीं दे रहे, भगवान की बंसी सुनाई दे रहे, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस है, मन का ट्रैफिक जम हो चुका है, मन के सिग्नल्स के कारण हम भगवान की बंसी की आवाज सुनाई नहीं दे, तभी जाकर भगवान की कृपा की वर्षा होगी, कृपा का कटाक्ष मिलेगा, और तभी जाकर प्रभुपाद की वाणी सच होगी, मिशन स्टेटमेंट चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। नहीं तो किस मुंह से हम लोगों को बोलेंगे कि आप भी जप कीजिए आप सुखी हो जाएंगे, वो कहेंगे आपका चेहरा देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे जप करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे आपके चेहरे पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अगर आप सुखी नहीं है तो मैं कैसे सुखी बन सकता हूं, आप 20 साल से कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं आप सुखी बन जाओगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पर्सनल प्रीचिंग इज बेस्ट प्रीचिंग, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप जप कीजिए वो खुद आकर पूछेंगे, पहले तो आप चार नियमों का भंग करते थे, इतने दुखी थे आप इतने सुखी क्यों हैं, आपके चेहरे पे इतना तेज कैसे है, तभी आप बता सकते हैं मैं ध्यानपूर्वक जप करता हूं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है, इस कान से उस कान छोड़ना नहीं तो चली जाएगी मुस्कान। अगर ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो चेहरा इस प्रकार खुलेगा और बड़े से बड़ा एप्पल भी उसमें डाल सकते हैं, वही सेफ है। इसलिए हमें आज से सिर्फ एक ही चीज करना है, कोशिश जारी रखना है ध्यानपूर्वक जप करने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहला भाग हो गया प्रवचन का, दूसरा भाग हम तुरंत शुरू करेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही दिन बाकी है। तो कैसे समझे कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे, इसके लिए 5 लक्षण बताए गए ध्यानपूर्वक जप न करने के, तो उसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे और उसको आगे कल बढ़ाएंगे वापस।
तो इसमें पांच लक्षण भक्तिविनोद ठाकुर और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लक्षण जाने कोई डॉक्टर दवाई शुरू नहीं करते। जब तक बीमारी का लक्षण नहीं पता होता तब तक कोई डॉक्टर दवाई शुरू नहीं करते, और लक्षणों से पता चलता है कि हमारी बीमारी कितनी फैल चुकी है, क्या दवाई काम करेगी कि नहीं। इसलिए लक्षण जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आध्यात्मिक बीमारी है। लेकिन इस आध्यात्मिक बीमारी के लक्षण क्या है ये बता रहे हैं विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर और विष्णु चक्रवर्ती, क्योंकि पेशेंट ने एडमिट किया कि मैं बीमार हूं, लेकिन इस बीमारी के लक्षण अभी बता रहे हैं डॉक्टर क्या क्या है। पहला लक्षण है औदासीन्य, दूसरा है लय, तीसरा है विक्षेप, चौथा है कषाय, पांचवा है रसस्वाद। तो ये सभी संस्कृत शब्द है इन लक्षणों के, और इतने मीठे हैं। जैसे दूसरा लक्षण का नाम है लय, लय सुनते हमें लगता है कि भक्ति लयबद्ध होना चाहिए। या कषाय, सर्दी के मौसम में दिल्ली के क्यों ना कषाय चाय गरम गरम हो जाए। या रसस्वाद, क्यों ना हम अलग अलग रसों का स्वाद करें भक्ति में। लेकिन ये अर्थ नहीं, ये अनर्थ है। इनके मीठे नाम देकर हमें समझना नहीं चाहिए कि हमें होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए, अर्थ है। लेकिन वास्तव में अर्थ नहीं, अनर्थ है। ये सबसे बड़ी बाधा है ध्यानपूर्वक जप करने में। तो एक के बाद हम एक इसके बारे में चर्चा करें। औदासीन का मतलब है, इंग्लिश में उसको कहते हैं इनडिफरेंस टू चैंटिंग, मुझे कुछ लेना देना नहीं है भगवान के नाम से, धीरे धीरे भक्तों से और अंत में भगवान से। हमारा रिश्ता बनता है नाम के साथ, भक्तों के साथ, भगवान के साथ, जैसे पानी और तेल का। जितना हम घुलाने की मिलाने की कोशिश करते हैं पानी और तेल को, जितना समय मिलावट चलती है मिश्रण, तब तक एक साथ रहते हैं। जैसे ही मिलाना बंद कर देते हैं अलग से हो जाते। उस प्रकार ये लक्षण प्रकट होता है 4-5 साल के बाद। इसको कहते हैं अप्रतिपत्ति, और एक संस्कृत शब्द है। अप्रतिपत्ति का मतलब ये नहीं चाय की पत्ती, अप्रतिपत्ति मतलब क्या, उसको कहते हैं इंग्लिश में एपैथी और लैक ऑफ रिजॉल्व, की दृढ़ता न होना। तो ये पहला लक्षण है औदासीन, इसमें कोई दृढ़ता नहीं होती। अपने आप को हम भक्ति में सेवा के लिए अपात्र समझ लगते हैं। मैं इतना गिरा हूं, मैं इतना पतित हूं कि मैं जप नहीं कर पाऊं, सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मंदिर नहीं जा रहा पाऊं। इस प्रकार जब विचार आते हैं तो ये लक्षण है औदासीन का। औदासीन का मतलब है एक प्रकार की उदासीनता छा जाती है 4-5 साल के बाद, क्योंकि पहले 4-5 साल भगवान हमें टेस्ट देते हैं, बाद में टेस्ट लेते हैं। क्योंकि जैसे भौतिक जगत में कहते हैं फर्स्ट 3 पफ्स आर फ्री, जैसे जो नशा बेचने वाले लोग होते हैं ड्रग सेलर्स, वो स्कूल के सामने जाकर, कॉलेज के सामने जाकर, हॉस्टल के सामने जाकर फ्री में बांटते हैं अफू, चरस, गांजा। कहते हैं तुम भी क्या याद करो यार, ले लो, फ्री में ले लो, हम आपके दोस्त हैं। लेकिन उनको मालूम है बाद में एक बार वो हुक हो जाएगा, उसके नशे का चस्का लग जाएगा, तो कुछ भी करने के लिए कहां से भी पैसा लेके आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ दरोड़ा, जो भी है, पैसा चुरा के लेके आएगा। उस प्रकार भगवान शुरुआत में हमें ये देते हैं रुचि, कीर्तन में अच्छा लगता है, डांसिंग कीर्तन में अच्छा प्रसाद लगता है, अच्छी याद लगते हैं। लेकिन 4-5 साल के बाद भगवान इस रुचि को खींच लेते हैं अपने हाथ, देखना चाहते हैं कि हम इसके लिए कीमत देने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर सचमुच हम प्रामाणिक है तो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। तो ये लक्षण प्रकट होता है 4-5 साल के बाद। जिस प्रकार माता पिता शुरुआत में बच्चे का हाथ या उंगली पकड़कर उसको चलाना सिखाते, लेकिन कुछ दिन के बाद हाथ या उंगली निकाल लेते हैं, उस प्रकार माता पिता देखना चाहते हैं कि बच्चा कितना सीख चुका है अपने पैरों पे। और उसी प्रकार हाथ या उंगली पकड़ कर रखेंगे तो 25 साल के बाद भी उसको हाथ और उंगली देकर चलाना पड़ेगा। इसलिए भगवान भी इस प्रकार हमारी परीक्षा लेते हैं, और इस प्रकार की एक प्रकार की उदासीनता चाहती है भक्ति में आने के बाद। तो इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि भगवान उतनी ही हमारी परीक्षा लेंगे जितने हम काबिल है। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान एग्जाम पेपर के साथ आंसर शीट भी जोड़ देते हैं। ऐसा भौतिक जगत में हो सकता है, पहली की कक्षा में विद्यार्थी बैठे एग्जाम के लिए, उनको 10वीं कक्षा का पेपर आ गया,
लेकिन भगवान के दरबार में ऐसे नहीं होता, क्योंकि भगवान का वादा है, ना कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा कि जितनी काबिलियत है उतने ही भगवान हमारी एग्जाम लेंगे, जितना रबर खींच सकते हैं उतना ही खींच लेंगे भगवान। लेकिन बराबर माया के द्वारा क्या होता है, हमें जो आवश्यक है गुण भक्ति में प्रगति करने के लिए उन पे ही आघात हो जाता है, उत्साहत निश्चयत धैर्यत, जो आवश्यक है, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशावत में, उत्साह निश्चय और धैर्य वही धीरे धीरे कमल लगते, जैसे टायर पंक्चर होने पर हवा धीरे धीरे निकलने लगती, उस प्रकार भक्ति की गाड़ी हमारी बैठ जाती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी या सरकारी जो व्हीकल्स होते हैं ट्रक्स, इतने खटारा होते हैं मॉडल, उसको चालू ही रखना पड़ता है, भले थोड़ा इंजन पेट्रोल ज़्यादा जाए, उस प्रकार हमारी भक्ति की गाड़ी चालू ही रखनी है हमें भक्तों के संग में आकर ध्यान पूर्वक जप करके। इसलिए हमारी अवस्था होती है किस प्रकार, गजेंद्र के समान। हम भी जब भक्ति के जलाशय में उतरते हैं, इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो माया का क्या है, साम्राज्य है, यहां माया राह देख रही है, तो तुरंत हमारा पैर पकड़ लेगी मगरमच्छ के समान। ऐसे गजेंद्र भी हर रोज की तरह पानी में जलाशय में उतर गए, लेकिन उनका वो खराब से खराब दिन था, जैसे पानी में उतरे तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, तो गजेंद्र को लगा कि ये मजाक के मूड में है, मेरी चरण धुल ले रहा है इसलिए पैर झटकने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ मजाक के मूड में नहीं थे, वो उनके खून के पैसे थे। इसलिए उनका जो युद्ध था 1000 साल तक चला, मगरमच्छ और गजेंद्र का, जितने भी उनके पार्षद थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, तुरंत नदी के किनारे पहुंच गए और देखने लगे तमाशा, लाइव टेलीकास्ट, ऊपर से देवी देवता दिख रहे, लाइव टेलीकास्ट। तो ऐसे समय प्रभुपाद लिखते हैं कि हालांकि गजेंद्र जमीन का राजा था, जंगल का राजा था, फिर भी उसकी पानी में शक्ति मानसिक और शारीरिक धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि हिंदी में कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना, और इसके विपरीत मगरमच्छ की शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। इसलिए प्रभुपाद उस तात्पर्य कहते हैं, किसी भी हम आश्रम में क्यों न हो, हमें इस युद्ध को त्यागना नहीं है, जो माया के साथ युद्ध हमने पुकारा है, हाथ में जप माला लेकर उसको जारी रखना है, भले ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास, किसी भी हाल में हमें युद्ध छोड़कर भागना नहीं, क्योंकि हम रणछोड़ राय नहीं है। इसलिए अगर हम गिरे हैं तो फिर से उठना है, जैसे अगर व्यक्ति जमीन पर गिरता है तो उसको जमीन का सहारा लेकर ही ऊपर उठना होता है, उस प्रकार अगर भक्ति में गिरे हैं, जप के कारण गिरे हैं, तो फिर से हरिनाम का सहारा लेकर ही हमें उठना है, हरिनाम ही हमें बचा सकता है। कोई सैनिक युद्ध में पे अगर गोली लगती है या कुछ जख्म होती है, हाँ, तो घर भागने आते, तुरंत मलम पट्टी करके थोड़ा विश्रांति करके फिर से युद्ध भूमि पे हाजिर होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, सिर्फ रोते नहीं रहना है, जप नहीं कर रहा हूं, सेवा नहीं कर पा रहा हूं, भक्तों का संग नहीं, अगर गिरे तो फिर से उठो, भक्तों के संग में आ जाओ, भक्त ही आपको बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता, भगवान का नाम ही बचा सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जस्ट बाय डूइंग नेगेटिविटी यू कांट गो बैक होम बैक टू गॉड हेड, बाय डूइंग पॉजिटिव एक्टिविटी, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव हियरिंग, यू कैन गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो सिर्फ रोते रहने रहे, रोने से क्या होगा, फिर से हमारी दृढ़ता, उत्साह, निश्चय कम होने लगा, पहले से कम हो रहा है इस लक्षण के कारण, और रोते बैठेंगे तो और उत्साह, निश्चय, धैर्य कम होने लगा। इसलिए जो रिपेंटेंस है भक्ति में, जो पश्चाताप है, उससे हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, रिपेंटेंस शुड लीड टू इंक्रीज इन डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद कहते हैं, नॉट डिक्रीज इन डिवोशनल सर्विस। इसलिए हमें सिर्फ रोते नहीं बैठना है, फिर से भक्ति में लगना है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है शुरुआत में 4-5 साल के बाद, वो क्या है, नवसिखिया भक्ति है, वो रंग तरंगिनी है, कभी इच्छा होती है 64 माला करने की एकादशी के दिन, दूसरे दिन लगता है कि 64 माला मैंने कर ली, आज करने की जरूरत नहीं, हाँ, या कल इतनी सेवा की, आज मंदिर जाने की जरूरत नहीं, इस प्रकार कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे समंदर की लहरें, उस प्रकार हमारी भक्ति होती है। इसलिए हमारी दृढ़ता, उत्साह, निश्चय किसके समान है, पानी की लकीर के समान। कितने साल तक टिकती है पानी की लकीर, इसको पता है, पानी में जो लकीर मारते हैं कितने साल तक टिकती है,
पानी में जो लकीर मारती है वो तो कितने साल तक टिकती है? एक क्षण भी नहीं। जैसे मारते जाते हैं लकीर, वैसे पृथ्वी से बुझते जाती है। इतनी हमारी क्या है, कोमल है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, क्योंकि हम गोदास है। लेकिन जो गोसा में होते हैं उनकी तरह हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। उनकी जो उत्साह, दृढ़ता, निश्चय होती है वो पत्थर की लकीर होती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दृढ़ता बहुत आवश्यक है। इफ यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन यू आर नो बेटर देन एन एनिमल, प्रभुपाद कहते हैं। अगर हमें दृढ़ता नहीं है भक्ति में आने के बाद भी, तो हम जानवर से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। क्योंकि मनुष्य में और जानवर में फर्क क्या है? दृढ़ता का। क्योंकि हमें भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, उस विवेक बुद्धि से हमें निश्चय करना है ये चीज मुझे भक्ति के लिए आवश्यक है, ये मैं करके ही रहूंगा, भले कितने भी समस्या है, कितने भी संकट है, विपदा है, कितने भी प्रॉब्लम्स है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जना। इसलिए हमें दृढ़ता को कभी खोना नहीं, उत्साह को खोना नहीं, शोक करके ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए प्रभुपाद यहां पे बताते हैं। और दूसरी चीज आवश्यक है उत्साह। उत्साह का मतलब है, भक्तिवर ठाकुर कहते हैं, सही उत्साह क्या है? व्हाट इज रियल एंथुजियाज्म? द ईगरनेस टू चैंट एंड हियर इज रियल एंथुजियाज्म। जो आपकी लालायता है या उत्कंठता है भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनने की, उसको कहते हैं सच्चा उत्साह। इसलिए ये चीजें बहुत ही आवश्यक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये लक्षण जब प्रकट होता है तो जप में कोई भावना नहीं होती, तीव्रता नहीं होती। क्योंकि भावना के बिना हमारा जो जप है किसके समान है? एक चलते फिरते मुर्दे के हाथ में बीड बैग लिए चलने के समान है, मृत। कृष्ण भावना शब्द से कृष्ण भावना निकाल दिया तो मृत बच जाते। उस प्रकार भावनाहीन हो जाते हैं हम और उसमें कोई तीव्रता नहीं होती। इसलिए यहां पे बताते हैं कि यह उदासीनता है पहले नाम के प्रति होती है, धीरे धीरे भक्तों के प्रति और अंत में कृष्ण के प्रति। मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं नाम के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। क्योंकि हमें लगता है कि भगवान की भक्ति करो और भगवान ही मुझे मदद नहीं करे, इसका मतलब भगवान अभी कंट्रोल में नहीं है, माया देवी कंट्रोल में है, तो क्यों हम भगवान की भक्ति करें। इस प्रकार धीरे धीरे नाम के प्रति श्रद्धा कम होती है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। भक्त में मुझे बचा नहीं पा रहे इस लक्षण से बाहर आने के लिए, लेकिन हमें खुद प्रयास करना है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सिर्फ हमें भक्तों के संग में आकर ये प्रयास जारी रखना है। इसलिए ये लक्षण प्रकट क्यों होता है? भक्तों ने ठाकुर कहते हैं क्योंकि हम नवसिखिया भक्त है। नवसिखिया का इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियोफाइट्स। नियोफाइट का मतलब है देयर इज ऑलवेज अ न्यू फाइट एवरी डे, नियोफाइट अनर्थों के साथ। क्योंकि अनादिकाल से इतने भौतिक आसक्तियां अपने हृदय में भर पड़ी है, भौतिक इच्छाएं, वो बराबर माया मन के द्वारा जप के समय और भागवत में ऊपर लेके आती है, टेस्ट करने के लिए कि कितने हम पानी में हैं, कितने समझ चुके हैं, कितने भगवान की कृपा को हम स्वीकार कर रहे हैं। ये टेस्ट करने के लिए माया अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इसके कारण इसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है जप के समय भागवत में। इसलिए सिर्फ हम भागवत के समय सुनते हैं ओम नमः भगवते वासुदेव, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देता हमें, क्योंकि पिक्चर इन पिक्चर शुरू हो जाता है हमारा, सारे ब्रह्मांड की सैर शुरू होती है। और अंत में सुनाई देता है शील प्रभुपाद की जय, उसके दौरान हमारा युद्ध शुरू होता है हमारे अनर्थों के साथ, हमारे विषयाशक्तियों के साथ। इसलिए इस प्रकार हम दूर भागने लगते हैं, कृष्ण की ओर नहीं माया की ओर। इस प्रकार वो सोचने लगते कि मुझे फिर से माया की सेवा करना ही योग्य है, फिर से माया की गोद में आने के लिए भागने लगता है, भागना शुरू हो जाता है कृष्ण की ओर नहीं माया की ओर। इसलिए हमें ये अनर्थों का क्या करना है? आत्मनिरीक्षण करना है, इन्वेंटरी लेना है। ऐसे हम कल बता रहे थे बैंक भी साल में 2 दिन बंद होती है ताकि स्टॉक टेकिंग ले, इन्वेंटरी ले, कितना पैसा आ रहा है कितना बाहर जा रहा है। ऐसे गोडाउन में हमेशा अगर माल आता रहेगा, सामान आता रहेगा, तो बहुत मुश्किल है कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बेचा गया, इसका हिसाब किताब। इसलिए उसी प्रकार अनर्थ पहले से है अनादिकाल से, उसमें और हम क्या कर रहे हैं?
विषय शक्ति बनाकर और नई नई चीज विषय वस्तु देकर उनको अंदर ले रहे हैं। तो इनसे बचना है तो हमें क्या करना है, पहले बाहर से जो कचरा अंदर आ रहा है उसको स्टॉप करना है, उसको रोकना है, तभी जाकर हम अनर्थों पे कार्य कर सकते हैं। इसलिए साधक के हैसियत से हमें क्या करना है, हर रोज सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करना है कि 16 माला करने से पहले मेरी मानसिक स्थिति क्या थी और 16 माला के बाद मेरी मानसिक स्थिति क्या थी। ये अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में हम ध्यानपूर्वक जप कर रहे कि नहीं। 16 माला के बाद भी उतने ही अनर्थ है या अनर्थ बढ़ रहे हैं या विषय के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, इसका मतलब है हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करें। ये लिटमस टेस्ट है, ये उसका सबूत है कि अगर अनर्थ बढ़ रहे हैं, हमारी काम वासनाएं बढ़ रही है, भोग की इच्छा बढ़ रही है, सेवा की भावना कम हो रही है, भक्तों की संग करने की इच्छा कम हो रही है, तो इसका ये सबूत क्या है, मतलब क्या है कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करें। अगर 16 माला के बाद हमारे अनर्थ कम हो रहे तो हम ध्यानपूर्वक जप करें। जैसे पेट में खाना डालने से पहले हमारा मन हमें आत्मनिरीक्षण करके देता है कि अभी समय हो गया, प्रभु जी 2 घंटे रुकने वाले ने, अभी आप ले लो प्लेट और प्रसाद परोसना शुरू कर दो, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस प्रकार मन बता देते हैं। और जैसे खाने के लिए बैठते हैं तो दबा के खाना शुरू कर देते, तो पेट बताता है इतना दबा के क्यों खा रहे, आपको मालूम नहीं दबा के खाने का मतलब है दबा खाना। तो इस प्रकार शरीर हमें आत्मनिरीक्षण करके देता है, उसी प्रकार आत्मा को खाना खिलाने से पहले मेरी मानसिक स्थिति क्या थी और आत्मा को खाना खिलाने के बाद मेरी मानसिक स्थिति क्या है, इस प्रकार हमें इन्वेंट्री लेना है, तभी जाकर ये अनर्थों को हम रोक सकते हैं। नहीं तो दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे और इनको कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर हो जाएगा। इसलिए इस साधक के रूप में हमें क्या करना है, इन पे नजर रखना है, उन पे ध्यान देना है और आत्मनिरीक्षण करना है। तो एक लक्षण पूरा कर देते हैं, उसके बाद कल से दूसरा लक्षण लेते हैं, चलेगा 5 मिनट। तो यहां पे बताते हैं कि पूर्णता किस प्रकार होनी चाहिए, जैसे हमने जितनी माला का संकल्प किया है उसको पूरा करना ही है किसी भी हालत में, वो तीव्र इच्छा रखना है। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो हर रोज 192 माला करते थे, तो किसी भी समय उन्होंने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले शरीर की साथ नहीं थी। जब मृत्यु का समय आया, शरीर त्यागने का समय आया, तो उस समय खुद भगवान हर रोज उनके लिए प्रसाद लेके आते थे, जगन्नाथ जी का, महाप्रभु अपने हाथों से, जो महाप्रभु अभिन्न है जगन्नाथ जी से, सही गौ सही जगन्नाथ, वो खुद अपने हाथों से प्रसाद लेके आते। तो अंतिम जब क्षण आया तो हरिदास ठाकुर की अवस्था देखकर कहने लगे कि आपको इतना जप करने की जरूरत नहीं, अभी आप बहुत ही क्षीण हो चुके हो, बीमार हो चुके हो, अभी समय आएगा आपका देह त्यागने का। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि मेरा शरीर तो साथ दे रहा लेकिन मन मेरा साथ नहीं दे रहा, और अपने जप में फिर से लगे रहे। तो सोचिए, खुद महाप्रभु आकर बता रहे हरिदास ठाकुर को आपको इतना जप करने की जरूरत है। अगर वही हमारे सपने में प्रभुपाद आएंगे या महाप्रभु आकर बताएंगे आपको 16 माला करने की जरूरत नहीं, तो हम कितने खुश हो जाएंगे, अपने सचमुच मेरे मन की बात जान ली प्रभुपाद, और इस प्रकार इंटरनेट में सबको न्यूज दे देंगे हम। वही नामाचार हरिदास ठाकुर हमें बता रहे दृढ़ता किस प्रकार होने की, कितने हमें नाम की शरण लेनी चाहिए, कितना हमें दृढ़ता होनी चाहिए नाम लेने में, क्योंकि उनके प्रति फरियाद पहुंच गई काजी के पास। जो मुसलमान लोग थे वो फरियाद करने लगे कि मुसलमान होकर भी हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, ये काफिर बन चुका है, इसको खत्म कर दो। और हिंदू मुस्लिम लोग काजी के पास जाकर वो भी कंप्लेन करने लगे, फरियाद करने लगे कि मुसलमान होकर इसको किसने अधिकार दिया हमारे भगवान का नाम लेने का, इसको गांव से बाहर निकाल दो। तो ये सुनकर अंत में काजी ने हरिदास ठाकुर को अपने दरबार में बुलाया, अपने कोर्ट में बुलाया, और कहा कि तू आप तो मुसलमान हो इसलिए मैं आपको 2 चयन देता हूं, एक तो आप एक गांव छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हरे कृष्णा बोलना बंद कर दो। तब जो वचन बोले हरिदास ठाकुर ने वो हमें बहुत ही आवश्यक है साधकों के लिए, वो हमें उत्साह देने वाले हैं, दृढ़ता देने वाले हैं। एक नामाचार्य के रूप में वो हमें बतला रहे कि दृढ़ता क्या होनी चाहिए। वो कहते हैं खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, अगर शरीर के हजारों हजार टुकड़े भी कर देंगे आप और मेरा प्राण भी चला जाएगा,
तबु आमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। वो कहते तभी भी मेरे मुख से भगवान का नाम निकलना बंद नहीं होगा। तो देखिए ये था उनका दृढ़ता, खंड खंड। हमारी भी खंड खंड है, लेकिन हमारे खंड खंड अलग है, श्रीखंड और आम्रखंड के लिए। उनकी जो दृढ़ता थी हरिनाम के लिए थी। और आगे कहते हैं अगर हजार हजारों टुकड़े भी करेंगे शरीर के, तो हर एक टुकड़े के हुए हजार टुकड़ों से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमें सीखना है ध्रुव महाराज से। ध्रुव का नाम ही बताता है उनमें कितनी दृढ़ता थी। 5 साल के बालक थे, अपने सौतेली माँ की कड़वी बात सुन नहीं पाए। उन्हें तय किया कि मैं ऐसी जगह प्राप्त करूंगा जहां से मुझे कोई हिला ना पाए। इसलिए माँ के कहने पे वो उत्तर दिशा में जंगल में चले भगवान की विष्णु की प्राप्ति के लिए। तो उनकी दृढ़ता देकर भगवान ने उनके जीवन में सदगुरु को ले आए, नारद मुनि। नारद मुनि उनको आकर कहते जंगल के पहले, क्या आप छोटे बालक हो, क्यों इतना गंभीरता से आप ले रहे अपने सौतेली माँ के कड़वे शब्द, निकल जाओ आप, बच्चों की ये उम्र है खेलने की। तो ध्रुव महाराज कहने लगे अगर आप मुझे भगवान प्राप्ति में मदद नहीं कर सकते तो साइड प्लीज, मेरे रास्ते से हट जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तभी जाकर नारद ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र दिया और 6 महीने उन्होंने क्रैश कोर्स कर दिया, भगवान को प्राप्त कर दिया। प्रहलाद महाराज कहने के लिए एक ही भक्त थे सारे हिरण्यकश्यप के राज्य में, फिर भी उन्होंने कभी भगवान को कंप्लेन नहीं की कि आपने मेरे भक्तों का संग नहीं दिया, कैसे मैं भक्ति कर सकता हूं, हमें इस्कॉन की कृपा से प्रभुपद की कृपा से इतना संग मिला है, फिर भी हम हमेशा यही कोशिश करते कि कैसे संघ से दूर भागे, इसलिए हम दुर्भागी बनते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं खटवांग महाराज कितनी दूरता थी, जब उनको पता चला कि एक क्षण ही बाकी है मेरे जीवन का, एक क्षण में उन्होंने भगवान को रिमेंबर किया, भगवान का स्मरण किया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, अंत्य नारायण। इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर इन 84 लाख स्पीसीज। इसलिए अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान को स्मरण, वो स्मरण किया भगवान का नाम और भगवान ने। परीक्षित महाराज उनको पता चला कि 7 दिन ही बाकी है, तो 7 दिन में उन्हें दृढ़ता से श्रवण कीर्तन करके भगवान की प्राप्ति की। हमें भी 7 दिन है, किसके पास 8वां दिन नहीं है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 8वां दिन किसके पास नहीं, फिर भी हम आराम से भक्ति करें। परीक्षित महाराज को मालूम था कि तक्षक ना तो पहले आएगा ना तो बाद में आएगा, समय पे आएगा, इंडियन रेलवे के समान नहीं, हाँ समय पे कभी नहीं आती, इस प्रकार उनको मालूम था। लेकिन हमें मालूम नहीं, हमारा तक्षक तो निकल चुका है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन तक्षक कहाँ तक पहुंचा है कभी हमें डसने वाला है मालूम नहीं। तो हम ज़्यादा गंभीर स्थिति में है परीक्षित महाराज से, इसलिए हमें और ज़्यादा दृढ़ता से भक्ति करनी है, ध्यानपूर्वक जप करना है। उसके बाद हम देखते हैं अजामिल। अजामिल इतना पापी से पापी व्यक्ति था, 90 साल में भी 10वें पुत्र को पैदा किया उन्होंने, फिर भी जब मृत्यु के समय आई तो अपने छोटे आखिरी पुत्र को पुकारने लगे नारायण, तब 4 अक्षर बोले नारायण, तो उनको बचाने के लिए यमदूतों से 4 विष्णुदूत है। तो सोचिए अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो कितने लोग आएंगे, 32, ट्रैफिक जम हो जाएगा पूरा। इसलिए हमें सीखना है कि अजामिल इतना पापी होकर भी जब उसने पहली बार होली नेम सेमिनार सुना विष्णुदूत द्वारा, जो विष्णुदूत यमदूतों को होली नेम सेमिनार दे रहे थे, एक्चुअली उसको इनवाइट नहीं किया था अजामिल को, फिर भी उसने सुना ये होली नेम सेमिनार और तुरंत वो दृढ़ बन गए, तुरंत हरिद्वार चले गए और 12 साल में भगवान की प्राप्ति की। तो इन उदाहरणों से हमें सीखना है कि कितना हमें दृढ़ बनना है। अगर चाहे तो इस क्षण हम भगवत धाम जा सकते, खटवांग महाराज के पास घर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें वो दृढ़ता नहीं है। इसलिए अंत में बताते हैं यहाँ पे कि जप करने के लिए क्या आवश्यक है, जैसे यशोदा माई का जो प्रयास था सातत्य से प्रेम भरा प्रयास, वही भगवान को बांध सकता है, वही सबसे बड़ी योग्यता है, सातत्य से प्रेम भरा प्रयास, उत्साहत निश्चय धैर्यात। भले सारे घर की रस्सी खत्म हो गई, सारे गांव की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन यशोदा को मालूम था कि नटखट जानबूझकर इस प्रकार की लीला कर रहे,
क्योंकि सुबह ही मैंने जब उसको नहलाया तो आराम से उसके कमर का पट्टा मैंने ही बांधा था, तो अभी क्यों नहीं तैयार है? इसका मतलब इसको बांधने में कुछ कमी नहीं करनी चाहिए। उसके कारण जो प्रयास था उसके कारण दामोदरीला हो चुकी, और जिसका गुणगान हम सारे महीना भर करते हैं दामोदर महीने में, तो वही सबसे बड़ी योग्यता है हमें नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार यहां पे अंत में बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि इस औदासीन लक्षण से बाहर निकलना है तो हमें युग धर्म का पालन करना होगा, क्योंकि इफ यू टेक केयर ऑफ युग धर्म विल टेक केयर ऑफ यू। युग धर्म का पालन करेंगे तो युग धर्म आपकी रक्षा करेगा, हर एक प्रकार के संकट से, समस्या से, हर एक प्रकार के लक्षण से आपको बाहर निकलेगा। अगर संकीर्तन नहीं होगा तो सिर्फ क्या होगा, संकी बन जाएंगे, कीर्तन नहीं होगा, संकीर्तन। भक्तों के संग में अगर जप नहीं करेंगे ध्यानपूर्वक तो सिर्फ हम संकी बन जाएंगे, कीर्तन नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए, दोज हु आर लाइक फायर बॉल ऑफ एंथुजियाज्म, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनमें एक अग्नि के गोले के समान उनमें उत्साह है, तो उनका उत्साह देखकर हमें लगेगा कि हमारी भक्ति भी इस प्रकार की होनी चाहिए। इसलिए एंथुजियाज्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर डिजायर टू डेवलप लव फॉर कृष्णा विच इज शोन बाय अटेंटिव चैंटिंग। वो कहते हैं एंथुजियाज्म, उत्साह का मतलब क्या है, हमारी जो तीव्र इच्छा है, प्रामाणिक इच्छा है भगवत प्रेम विकसित करने की, वो है सच्चा उत्साह जो हम दिखाते हैं ध्यान पूर्वक जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हर एक जो हम लक्षण देखने जा रहे हैं उस पर एक ही उपाय बताते हैं, एक तो है भक्तों का आश्रय और दूसरा है नाम का आश्रय, ये दो ही चीज हमें बचा सकती है कलयुग में हर एक प्रकार की समस्या से। इसलिए प्रभुपद कहते हैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहिए, दो चीजें कभी छोड़िए मत, एक है भक्तों का संग और दूसरा है ध्यान पूर्वक जप। इसलिए प्रभुपद ने इस इस्कॉन का निर्माण किया है ताकि हमें ये सुविधा उपलब्ध हो। अगर ये सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी अगर हम मंदिर में नहीं आ रहे, भक्तों का संग नहीं कर रहे, तो हमसे दुर्भाग्य और कोई नहीं है। इसलिए ये क्या है, दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरो है बहु सिंदुरे, मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है भक्तों का संग। अगर उसका फायदा नहीं उठा रहे तो हमसे दुर्भाग्य और कोई नहीं, हमसे मिसफॉर्चून और कोई नहीं है। इसलिए इससे आगे जब भी हमें मौका मिलता है भक्तों के संग में आने का, भक्तों के संग में आकर जप करने का, कीर्तन करने का, हरी कथा सुनने का, उसको गलती से भी गंवाना नहीं। एक बार मौका चला गया तो अगले बार लगेगा कि पिछले बार नहीं गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इस प्रकार ये भावना आएगी कि भक्तों की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, भगवान की भी जरूरत नहीं, मैं खुद भक्ति कर सकता हूँ, एकांत की भरे हरे भक्ति उत्पात ही केवलम, खुद के जीवन में उत्पात मचाएंगे, भक्तों के जीवन में, संस्था के जीवन में, और इस प्रकार सबको गाली देकर हम चले जाएंगे। इसलिए ये जो उदासीनता लक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शुरुआत है हमारे पतन का, भगवान हमें एक झलक दिखा रहे कि आगे क्या क्या हो सकता है इस उदासीनता के कारण। इसलिए बहुत जल्दी उस पर उपाय करना है, उत्साही भक्तों के संग में आकर जप करना है, कीर्तन करना है, हरि कथा सुनना है। इसलिए हम देखते हैं जब गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, प्रभुपाद होते हैं, तब उनके आजू बाजू में बैठकर लोग जप करते, क्यों, उनका चेहरा देखने के लिए नहीं, उनका जो उत्साह है, दृढ़ता है, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं 10 से 20 किलोमीटर फैलती है और उससे हमें फायदा होता है, इसलिए बैठते हैं लोग। इसलिए ऐसे उत्साही भक्तों के संग में आकर जिनमें नाम में रुचि है, नाम में श्रद्धा है, हाँ, हरी कथा में रुचि है, ऐसे भक्तों का संग करके हमें हमारी भक्ति को आगे बढ़ाना है ध्यान पूर्वक जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो कल ठीक 8 बजे शुरू होगा इस दूसरे भाग का जप करें, ये तीसरा भाग होगा, ये लक्षण के बाद इस पे उपाय क्या है। पहले 2 भाग होंगे सिर्फ समस्या समस्या, लेकिन तीसरे भाग में होगा उस पे उपाय क्या है, उस पे दवाई क्या है, किस प्रकार ये दवाई काम कर सकती है। इसलिए गलती से भी कल और परसों 8 से 10